हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसीएम फॉर जेई 2022 के पेपर नंबर 16 फिजिक्स सेक्शन, जिसके अंदर वेव थ्योरी एंड डॉपलर इफेक्ट को कंसीडर किया है। चलिए शुरू करते हैं पेपर के सॉल्यूशन को। पार्ट फर्स्ट जेई मेंस, सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर वन, गिवन फिगर शोज ए साउंड फिल्टर इन विच साउंड इज पासिंग थ्रू ए bifurcated pipe as shown. Speed of sound in air is 300 meter per second. A sound consists of four frequencies, 300 hertz, 600 hertz, 900 hertz and 1500 hertz. Then which of the following frequency will pass through the outlet? तो यहाँ से sound wave आई इस वाले end से, ठीक है? And then इस wave का कुछ part तो straight जाएगा and then कुछ part इस वाले tube के अंदर split होकर के, rotate होकर के वापस आएगा। तो यहाँ से दो वेव्स जो हैं वो फॉर्म हो चुकी है, और इन दोनों वेव्स के बीच में जब यहाँ पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलेगा तो उस केस में हमें जो इंटेंसिटी है साउंड की वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये वही पूछ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड जो इसमें से पास होगा, तो अपन को यही चेक करना है कि इनमें से किस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है। पहली बात तो ये देखें, तो अगर एक वेव जो यहाँ से सीधी स्ट्रेट आ रही है, इसका कुछ पार्ट इधर की तरफ स्प्लिट होके गया, तो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा? पाथ डिफरेंस अगर अपन बात करें तो एक तो ये वाली जो वेव है वो 25 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये वाली 25 25 25 है ना, तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है? 25 और 25 50 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है इस वाली वेव के कंपैरेटिवली। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड इन मीटर इज 1/2 मीटर, राइट? तो पाथ डिफरेंस अपने पास आ गया, और वेवलेंथ सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकंड। स्पीड अपन को गिवन है यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपन को मालूम है डेल्टा आर की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? एन लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। डेल्टा आर इक्वल्स टू 1/2 है यहाँ पर, बराबर एन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू वी बाय एफ लिख सकते हो, ठीक है? वी स्पीड ऑफ साउंड विच इज 300 मीटर पर सेकेंड और अपॉन में फ्रीक्वेंसी एफ। सो वी हैव एफ इक्वल्स टू 2 × 300 विच इज 600 इंटू में एन, है ना? तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब एन की वैल्यू अगर 1 रखें अपन तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 600 आ रही है, एन की वैल्यू अगर 2 रखें तो 1200 आ रही है, तो इसमें से कौन सा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा? 600 करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये इंटरफेरेंस का ही क्वेश्चन है। ए साउंड सोर्स इमिट्स टू साइनसोइडल वेव्स बोथ ऑफ वेवलेंथ लैम्डा along paths A, B as shown the figure. The sound traveling along the path B is reflected from five surfaces shown the figure and at Q producing minimum intensity at the point the minimum value of D in the terms of lambda is. देखिए, एक तो वेव यू आएगी डायरेक्ट, और एक वेव यहाँ गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर, राइट? तो इस तरीके से वेव ये प्रोपेगेट कर रही है। अगर आप ये देखो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना का है, तो पार्ट डिफरेंस देखो, ये वाली वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 2d एंड d व्हिच मींस 3d, ठीक है? और ये वाली जो वेव है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 2d, ये 3d तो आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना है? 2d, d और d, मतलब 4d डिस्टेंस ये वाली वेव एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। सो पार्ट डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में कितना आएगा? डेल्टा इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ d, ओके? और ये पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ d इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर यहाँ पे मिनिमा मिल रहा है दैट मींस पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए? 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं अपन, ठीक है? तो लैम्डा की टर्म्स में हमें आंसर देना है, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर? 2n-1 लैम्डा बाय 8। अब n की वैल्यू अगर 1 रखूँ मैं तो लैम्डा बाय 8 वैल्यू आएगी, 2 रखूँ तो 3 लैम्डा बाय 8 वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू पूछिए, सो आंसर इज लैम्डा बाय 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आइए। S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ रेडिएशन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 100.25 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। S1 लीड्स S2 इन फेज बाय π/2। A एंड B आर द टू पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2 शोन द फिगर। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 एट A एंड B आर इन द रेशियो 1:2। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट A एंड A टू दैट ऑफ B इज IA बाय IB पूछा अपन से। देखिए, S1 और S2 से जो वेव जो इमिनेंट होंगी, उन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, चाहे ए पे बात करें चाहे बी पे बात करें, वो 1:2 में है। ये अपन को पहला क्लू दे रखा है, मतलब S1 का अगर एम्पलीट्यूड अगर मैं ए कंसीडर करूँ ना, तो S2 वाले का 2a है। ये ध्यान रखना, ए और बी दोनों पे एम्पलीट्यूड है ये, ए और 2a। अब सबसे पहले मैं ए पे बात करूँ,
देखो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 100.25 लैम्डा है, विच मीन्स 100 लैम्डा तो है ही, प्लस में लैम्डा बाय 4 और है, मतलब ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो क्लियरली नजर आ रहा है, 100 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 है। और ये भी दे रखा है कि S1 जो लीड कर रहा है S2 से पाई बाई टू, पाई बाई टू फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस जनरेट होगा वो कितना होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा आर और डेल्टा फाई में रिलेशन क्या होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इनटू डेल्टा आर, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन में 2π/λ आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, सॉरी डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी, पाई बाई टू, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा बाई 4 के बराबर ये पाथ डिफरेंस आ गया। तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4 है। तो अगर मैं ए पे बात करूं ना, तो ए पर S1 से वेव यूं आएगी, S2 से भी वेव इस तरफ आएगी, और S1 लीड कर रहा है ऑलरेडी लैम्डा बाई 4 से, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना होगा S1 और S2 के बीच में, 100 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 तो दिख ही रहा है अपन को, लेकिन S1 लीड भी कर रहा है, एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4, सो टोटल पाथ डिफरेंस जो है ए पर कितना आ जाएगा, 100 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, विच मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाएगा ए पर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में, 2a-a, तो ओवरऑल जो यहां पर सुपरपोजिशन के बाद में जो वेव का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 2a-a, मतलब a मिलेगा। और अगर मैं बी पे बात करूं तो S2 से वेव ये जनरेट हुई, S1 से वेव ये जनरेट हुई, तो S1 लैग कर रहा है एक तरीके से, पीछे हो गया ना कितना, 100 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, लेकिन S1 लीड भी कर रहा है लैम्डा बाई 4 से, तो लैम्डा बाई 4 वाला पार्ट हट जाएगा इसमें, तो इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 100 लैम्डा के बराबर, और 100 लैम्डा है इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो ए और 2a का सम कितना हो जाएगा, 3a, तो यहां पर एम्पलीट्यूड 3 आ जाएगा। और जो इंटेंसिटी का जो रेशियो आएगा, सीधी सी बात है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहां पर इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा और यहां इंटेंसिटी 3a के प्रोपोर्शनल आएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, तो 1/9 जो है इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज 10⁻⁸ W/m² एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट विल द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 25 मीटर फ्रॉम द सोर्स। देखो पॉइंट सोर्स से अगर आपको किसी डिस्टेंस r पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इंटेंसिटी i प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर जैसे पावर की बात कर लें तो सेम सोर्स है तो पावर भी सेम होगी, एक्चुअल में p/4πr² आता है, सो I1/I2 इज इक्वल टू 1/R2/R1² हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अब ये 25 है R2 और ये कितना है 5 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आ गया। यहाँ पर हमको I2 चाहिए, I1 कितना दे रखा है, I1 दे रखा है अपन को 10⁻⁸, तो I2 आ जाएगा 10⁻⁸/25, 10⁻⁸/25, 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 10⁻⁰ हो गया, कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × 10⁻⁰ W/m², थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5th, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 केजी हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ द वेवलेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप। देखो एक रोप है, इसके नीचे एक आपने ब्लॉक अटैच कर दिया और लोअर एंड पर आपने एक पल्स जनरेट की, वो पल्स ऊपर की तरफ प्रोपेगेट करेगी, ऑब्वियसली पल्स की स्पीड बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगी पल्स टेंशन बढ़ेगा रस्सी में, टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी जो है पल्स की या वेव जो आपने जनरेट की उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता तो एफ इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो वी ओवर लैम्डा का जो रेशियो वो बराबर रहना चाहिए, तो स्पीड अगर बढ़ेगी ना ऊपर तो लैम्डा भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी है, तो मैं डायग्राम बना दूँ, यहाँ पर ये ब्लॉक अटैच कर दिया, यहाँ पल्स आपने जनरेट की, यहाँ लैम्डा वन है, यहाँ पल्स पहुंचेगी तो यहाँ लैम्डा टू हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा वन गिवन है, लैम्डा टू पूछा है, यहाँ ये मास एम आपको दे रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक का मास है अपने पास 2 kg और यहाँ ये जो रॉप दे रखी है इसका मास है 6 kg, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे स्पीड देखेंगे, यहाँ स्पीड कितना आएगा, वेव पल्स की स्पीड कितनी होती है, √T/μ, तो √T टेंशन, टेंशन यहाँ पे कितना आएगा 2g के बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा, तो टेंशन आ गया 2g/μ, ये तो स्पीड आ गई, अपॉन में 1/λ1 बराबर, ठीक है। तो ये v बाय लैम्डा आ गया, v1/λ1 आ गया एक तरीके से, ठीक है। यहां चलेंगे तो यहां स्पीड कितनी होगी, यहां टेंशन की बात करें तो इसका वेट भी आएगा 6 kg रोप का, 6 × 2 = 8 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 8g/μ
और डिवाइड में आ जाएगा लैम्डा 2, बाकी सारी क्वांटिटी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से भी कट कर दो, ये 4 आ गया, अंडर रूट में 4, ये 2 बचेगा, तो 1 ओवर लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 ओवर लैम्डा 2, अपन को लैम्डा 2 चाहिए था, तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू में लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 का 2 टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा 1 कितना है 0.06 मीटर है, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 0.12 मीटर आंसर आ जाएगा फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिक्स्थ पे आइए, ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड एंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एंड ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर इज, देखो जो भी साउंड सोर्स आपने पानी के अंदर रखा है, वाटर के अंदर प्लेस किया आपने, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करेगी, और जो साउंड पानी से निकलकर जब एयर में आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, ठीक है, स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, लैम्डा पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो ऑब्जर्वर तो जी 600 हर्ट्ज का साउंड ही ऑब्जर्व करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट हो गया। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि देखा जाए इंफ्रारेड वेव लाइट वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, रेडियो वेव भी लाइट वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तीनों दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तीनों के तीनों, तो ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव की अगर अपन बात करें जनरली, जैसे सॉलिड की बात करें, सॉलिड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव बन सकती है, साउंड वेव ऐसा नहीं है नहीं बन सकती, बन सकती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ट्रांसवर्स वेव भी बन सकती है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है साउंड वेव के लिए साउंड वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकती, मीडियम पे डिपेंड करती है मीडियम कैसा है, राइट, लेकिन जनरल वे में बात करें तो अपन एयर के अंदर ही कंसीडर करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, तो कौन सी हो सकती है, सीधी सी बात है, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, टू ब्लॉक्स ईच हैविंग मास ऑफ 3.2 केजी आर कनेक्टेड बाय वायर सी डी एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अनदर वायर ए बी, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर ए बी इज 10 ग्राम पर मीटर एंड दैट ऑफ द सी डी इज 8 ग्राम पर मीटर, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस्ड इन ए बी एंड इन सी डी आर, तो एक तो ये स्ट्रिंग दे रखी है अपन को, एक स्ट्रिंग ये वाली दे रखी है अपन को, ठीक है, इन दोनों में स्पीड पूछी अपन से, तो जैसे मुझे अगर इस वाले में स्पीड फाइंड आउट करनी है, रोप का मास अपन इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगभग जो टेंशन आएगा इस वाले स्ट्रिंग के अंदर, वो टेंशन इन दोनों वेट के कारण आएगा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इस वाले धागे के अंदर, अगर अपन बात करें टेंशन कितना जनरेट होगा, दोनों वेट के कारण होगा, 3.2 एंड 3.2 कितना आ जाएगा 6.4, तो यहाँ पर स्पीड पूछे तो ए बी वाले में स्पीड मैंने V1 मान लिया, तो V1 इक्वल्स टू अंडर रूट T बाय म्यू, टी कितना आएगा 6.4 किलोग्राम इंटू जी, जी की वैल्यू दे नहीं रखी है मैं, 10 मान लेता हूँ लगभग, अपॉन में म्यू, तो इस वाले स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है 10 ग्राम पर मीटर, तो 10 ग्राम पर मीटर है, 10^-3 कर दिया, ठीक है, ये जीरो यहाँ से उड़ गया, 64 का रूट कितना आएगा 8, और ये 10^-2, ये 10^-1, तो ऊपर आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड ग्राउंड की वैल्यू आ रही है, लेकिन जी की वैल्यू मैंने 10 ली है, तो 9.8 ले तो हो सकता है उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए, तो 79 इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, तो काम चल सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो 79 हो सकता है V1, और 79 जो है इसमें आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में 63 कह रहा है, ये तो गलत हो गया, 79 मीटर पर सेकंड इन बोथ वो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इस वाले में टेंशन डेफिनेटली डिफरेंट होगा, इस वाले में टेंशन कितना आएगा, इस वाले वेट के कारण होगा 3.2 केजी के कारण, तो V2 कितना आएगा 3.2, जी की वैल्यू अगेन 10 मान लूँ मैं, अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ इसका कितना 8 ग्राम पर मीटर, तो 8×10^-3, ठीक है, ये अगेन इससे हट गया 0, ये 4 से हट जाएगा, तो 4 का अंडर रूट कितना आया 2 अपॉन में 10^-3 है, तो 2000 का अंडर रूट यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी 1000 का अंडर रूट कितना आएगा 20√10 की वैल्यू, रूट 10 की वैल्यू 3 समथिंग मान ले, तो ये कितना आएगा 60 से ऊपर आएगी वैल्यू, तो 63 के अराउंड जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर सकते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, एक में तो ऊपर वाले में आएगा 79 और नीचे वाले में आ जाएगा 63, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आइए, वेव पल्स इज जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग दैट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन द फिगर, आर ए आर बी आर द रेशियो ऑफ द वेव स्पीड दैट पार्टिकल स्पीड रेस्पेक्टिवली, देन वेव इधर जा रही है, ठीक है, तो जो पार्टिकल है ए और बी उनकी स्पीड क्या होगी, देखो पार्टिकल स्पीड जो है वी पी इज इक्वल टू माइनस वी, वी वेव स्पीड होती है, डेल वाई बाय डेल एक्स होता है स्लोप, तो स्लोप जहाँ ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, तो ए पॉइंट पर अगर मैं स्लोप देखूँ तो ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर स्लोप कम है, तो सीधी सी बात है बी पर पार्टिकल की स्पीड कम है, ए पर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है, लेकिन जो आर ए और आर बी जो है ना वो रेशियो है वेव स्पीड टू द पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड तो दोनों के लिए सेम होगी,
इसका मतलब पार्टिकल स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर। तो पार्टिकल स्पीड अगर ए की बात करें तो ए पर पार्टिकल स्पीड ज्यादा है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बी पर पार्टिकल की स्पीड कम है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग इज 1.3 × −4 केजी पर मीटर, द वेव इक्वेशन इज दिस, फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज सेकंड। देखो x plus 30t है ना, f of x plus vt का फॉर्मेट है ये। तो यहां पर वेव जो है नेगेटिव x डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही है और ये x plus vt मतलब स्पीड जो है डायरेक्टली आ गई 30, वेव स्पीड है ये, और धागे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर ये वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो जो v है वो अंडर रूट t / μ के बराबर होना चाहिए। t इज अ टेंशन एंड μ इज मास पर यूनिट लेंथ व्हिच इज आल्सो गिवन। सो t इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग कर दो तो 3 का 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900 into μ, μ की वैल्यू कितनी है 1.3 × −4। इसको सॉल्व कर लें आप, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11th, यूनिफॉर्म रोप हैविंग मास m हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, ए ट्रांसवर्स वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, द स्पीड v ऑफ द वेव पल्स वेरीज विद हाइट h फ्रॉम द लोअर एंड s। तो आपने लोअर एंड से वेव पल्स जनरेट की, वेव पल्स सपोज लोअर एंड से h हाइट पे पहुंच गई, अब स्पीड इसकी v है, तो यहां पे स्पीड जो है v डेफिनेटली अंडर रूट t / μ के बराबर होगा। t यहां पे टेंशन होगा, टेंशन किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा। मान लीजिए हाइट यहां से यहां तक h है और मास पर यूनिट लेंथ इस रोप का अगर मैं म्यू कंसीडर करूं तो h हाइट का मास कितना होगा, म्यू इंटू एच, इसका मास कितना आएगा इतने वाले पार्ट का, म्यू इंटू एच, ये मास आ गया, और g से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका वेट आ जाएगा, यहां पर टेंशन आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर, तो म्यू एच जी, ये टेंशन आ गया। तो v कितना आएगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, टी कितना है म्यू जी एच और अपॉन में म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। तो v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच आ रहा है और v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच है, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, पैराबोला की इक्वेशन है, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। 12th, ए टेबल इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस एट 5 revolutions per second, ए साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 Hz इज फिक्स्ड ऑन द टेबल एट 70 cm फ्रॉम द एक्सिस, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल विल बी। तो ये लो जी, एक टेबल पे साउंड सोर्स रखा है, सेंटर से लेट से आर डिस्टेंस पे रखा है और ये रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये सोर्स ये घूम रहा है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे आपसे ये पूछा है कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड ये जो है वो इसको सुनेगा, तो जब ऑब्जर्वर सोर्स दूर जाएगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो जब सोर्स दूर जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस वाली पोजिशन पर साफ साफ नजर आ रहा है ऑब्जर्वर इस तरफ, सोर्स इस तरफ जा रहा है, तो सोर्स की जो वेलोसिटी है वो वी एस मैंने कंसीडर कर ली और वी एस बराबर ओमेगा इंटू आर के इक्वल होगा, दूर जा रहा है ये, तो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड से सुनाई देगा, एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी अपॉन, क्योंकि यहां पर सोर्स मूव कर रहा है तो वी अपॉन में वी प्लस वी एस। ठीक है, वी एस की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन, ओमेगा इंटू आर ये रख देंगे, एफ आपको आपके पास दे ही रखा है 1000, वी की वैल्यू कितनी है 352 m/s, सारी वैल्यू रख देंगे और ओमेगा जो है वो आपको देगा 5 revolutions per second। तो ध्यान रखना ओमेगा को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, 5 revolutions per second मतलब 5 × 2π rads/s, ये ओमेगा है, और आर की वैल्यू कितनी है 70 cm, ये भी रख दोगे तो वी एस की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 2π × 70 cm बाई 100 कर दीजिए, 0 0 ये 2 5 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7π m/s आ गया। इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, v की वैल्यू भी आपके पास है, f की वैल्यू भी रख दोगे तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड आ जाएगा। वैसे भी फर्स्ट और सेकंड तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो उससे 1000 से कम ही होना चाहिए, तो 941 जो है इसमें सही हो जाएगा, लेकिन इसमें फोर्थ नन भी है तो चेक करना बहुत मस्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th, ए कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 Hz पासेस एन ऑब्जर्वर, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न नोटेड बाय द ऑब्जर्वर बिफोर एंड आफ्टर पासिंग ऑफ द कार इज 11/9, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज v, द स्पीड ऑफ द कार इज। देखिए ये ऑब्जर्वर है, कार इसको क्रॉस करके जाती है जी, कार की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है हॉर्न की वो f है, तो कार इस ऑब्जर्वर को पहले क्रॉस करके जाएगी, पहले पास आ रही तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बढ़ी हुई फील होगी इसको, और उसके बाद में जब दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इसको लो सुनाई देगी। ठीक है, तो जब ये पास आ रही है तो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड उसे सुनाई देगा, f डैश इक्वल्स टू f ब्रैकेट 1/v v ओवर v माइनस वी एस, और जब ये दूर जाएगा ठीक है तो उसके इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, f डबल डैश मान लीजिए f v अपॉन v प्लस वी एस,
हमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है विच इज 11:9। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो f कट जाएगा, v कट जाएगा यहाँ से, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी v प्लस वी एस, ये वाला ऊपर चला जाएगा, अपॉन v माइनस वी एस इज इक्वल टू 11:9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, और यहाँ से वी एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v जो है वो v बाई 10 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आइए 14th है, ए पर्सन कैरिंग ए विसल इमिटिंग कंटिन्यूअसली ए नोट ऑफ 272 हर्ट्ज इज रनिंग टुवर्ड्स ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 345 मीटर पर सेकंड। द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय हिम इज। ओके, तो ये वॉल है, दीवार है, ठीक है, और पर्सन जो है, जो बंदा जो है वो दीवार की तरफ मूव कर रहा है, और इसके पास खुद के पास सोर्स है, इस चीज को अच्छे से देखना है, ये खुद एक सोर्स है। तो एक तो साउंड जो इसके पास आ रहा है, इसके पास खुद के पास विसल है, तो एक तो इसको डायरेक्ट इसको साउंड सुनाई दे रहा है, एक खुद जब ये मूव करेगा, इसकी स्पीड मान लीजिए v0 है सपोज, ठीक है, तो ये खुद जो मूव करेगा दीवार की तरफ जाएगा, साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तब इसको सुनाई देगा एक साउंड। तो उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी, तो एक तो फ्रीक्वेंसी f0 डायरेक्ट आई गई, एक दूसरा क्या है, दीवार की जब साउंड आएगी तो दीवार एज ए ऑब्जर्वर की तरह इसको दीवार को बनाएंगे, तो दीवार तो रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है एक तरीके से, ये एक तरीके से सोर्स हो जाएगा, तो दीवार को कितनी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो सुनाई देगा, वो साउंड अपन यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो सोर्स है जो कि मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड वी नॉट है, तो वी अपॉन वी माइनस वी नॉट, ये इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है दीवार को सुनाई देगा। ठीक है, अब दीवार क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, और सोर्स की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को अब कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ डैश इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अब ये वाली होगी क्योंकि दीवार एज ए सोर्स की तरह अपन उसको ट्रीट करेंगे। ये आ गया ब्रैकेट, अब वो जो बंदा है वो ऑब्जर्वर है, ध्यान रखना, तो वी और वो पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो वी प्लस वी नॉट अपॉन में वी, सही है, तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से एफ डैश जो है वो आ जाएगा एफ नॉट ब्रैकेट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी नॉट, और जो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी इसकी जो डायरेक्ट इसको सुनाई दे रहा है वो एफ नॉट है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा उसमें डेल्टा एफ लिख देता हूँ, विच इज दिस वैल्यू माइनस एफ नॉट, बस इसमें से इसको एफ नॉट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सॉल्व करना है, वी की वैल्यू आपको दे रखी 345 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, वैल्यू रख देंगे और इससे आंसर जो है अपना वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द डायग्राम बिलो शोज एन इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग एज ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स अलोंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स 1, 2, 3 ऑन द स्ट्रिंग। देखिए जो वेव पल्स है ये लेफ्ट टू राइट प्रोपगेट कर रही है, ट्रांसवर्स वेव है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये पूछा आपसे कि 1, 2, 3 जो पार्टिकल्स है इनका मोशन किधर होगा, आप क्या करें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हल्का सा इसको शिफ्ट कीजिए आप, मामूली सा हल्का सा अगर मैं शिफ्ट करूँ तो ये कुछ देखिए कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा, और यहीं से ही सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो अगर ये यूं जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होते हैं, तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये पॉइंट नंबर 1 साफ साफ नजर आ रहा है, नीचे आ गया, पॉइंट नंबर 2 ऊपर गया, पॉइंट नंबर 3 नीचे आ गया, देखो तो 1 का जो मोशन है डाउनवर्ड है, 2 का मोशन अपवर्ड है, 3 का मोशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड ये देखना है, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 16th, figure shows is a graph at a certain time t, displacement function आपको दे रखा है, 3 sound waves के लिए, 1, 2, 3 as marked on the curves that travel along x axis through air, if p1, p2, p3 represent their pressure amplitudes respectively, then the correct relation among them is, 3 waves हैं अगर आप गौर से देखो तो, एक तो first number वाली wave ये वाली है देखो, इसका lambda ज्यादा है, साफ साफ clearly नजर आ रहा है अपन को, दूसरे number वाली wave, इसका lambda पहले वाली से कम है, और तीसरी वाली वेव और कंप्रेस होगी, इसका लैम्डा सबसे कम है, तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3, ये तो रिलेशन आ गया। एम्पलीट्यूड सबका सेम है, प्रेशर एम्पलीट्यूड ये डिस्प्लेसमेंट वेव दे रखी है अपन को, प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के होता है जी, बी बल्क मॉडुलस होता है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है, ए एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो तीनों का सेम है, के एंगुलर वेव नंबर होता है विच इज 2π/λ। ठीक है, तो लैम्डा जिसका ज्यादा होगा डेल्टा भी कम होगा, सीधी सी बात है, तो लैम्डा सबसे ज्यादा लैम्डा 1 है
तो इसका मतलब इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा, लैम्डा 3 सबसे कम है, इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा. सो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. 17, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन ऑफ ए स्ट्रिंग इफ N1 N2 N3 एंड सो ऑन आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज. तो ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पूरी स्ट्रिंग का है वो n है, और n को रिलेट करना है अपन को n1 n2 n3 के साथ. ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक कंप्लीट स्ट्रिंग कंसीडर करूं, ठीक है, और जैसे मुझे मैंने l1 लेंथ की स्ट्रिंग कंसीडर की, मतलब थोड़ा सा पार्ट मैंने सेगमेंट ले लिया इसका, ये वाला l2 है, ये वाला l3 है, ऐसे कई सारे पार्ट में स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट कर दिया. राइट, मैं आपसे कहूँ इसका फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, वाइब्रेशन मोड ऐसा ही होगा इसका. तो इसके लिए जो स्पीड आएगी वेव की, सबसे पहले क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर अपन को चाहिए तो वो n1 है, एंड n1 इक्वल्स टू v बाय लैम्डा. v जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, v डिपेंड करेगा एक तो टेंशन पे, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो टेंशन सेम रहेगा, और जो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ वो भी सेम ही है, तो इसका मतलब v सभी एलिमेंट के लिए सेम रहेगा, अपॉन में लैम्डा. यहाँ ये देखो ये जो लेंथ है लैम्डा बाई टू है, लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू l1, तो लैम्डा बराबर टू कितना आ जाएगा, 2l1. तो यहाँ से l1 की वैल्यू कितनी आई, L1 आगे V अपॉन में 2N1. सिमिलरली L2 की बात करें तो L2 आ जाएगा V अपॉन में 2N2, L3 V अपॉन में 2N3. अब अगर मैं कंप्लीट स्ट्रिंग की बात करूं तो कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए जो फंडामेंटल मोड है उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, N इक्वल टू, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, N इक्वल टू V, V तो सेम ही रहेगा, टेंशन अपॉन में वो जो भी मास पर यूनिट लेंथ है वो सेम ही आएगा, V अपॉन में टोटल लेंथ विच इज L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन. इसको अगर पलट दो आप, इनवर्स ले लो, तो 1/N इक्वल टू ये आ जाएगा L1 बाई V, ठीक है, यह आ जाएगा L2 बाई V, L1 बाई V प्लस L2 बाई V एंड सो ऑन. सो 1/N इक्वल्स टू L1 बाई V, जो है L1 बाई V साफ साफ नजर आ रहा है यहां से, देखो इसको आप यहां पर ले जा सकते हो. अच्छा यहां पे 2 भी आएगा, ये मैंने यहां पे गलती कर दिया, 2L1 2L2, ठीक है, तो 2L1 बाई V किसके इक्वल है, 1/N1 के बराबर है, तो यह आ जाएगा 1/N1, ये वाली वैल्यू 1/N2, ठीक है, एंड सो ऑन. तो यहां से आप चेक कर सकते हो, फाइनली हमसे n की वैल्यू पूछी है तो n की वैल्यू जो है वो थर्ड ऑप्शन में अपन को मिल रही है बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. 18th, द थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, देन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स इज इक्वल टू. देखिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ये वाला केस हो गया, लेंथ इसकी मान लीजिए L1 है. थर्ड ओवरटोन की बात करें, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है उसके अंदर केवल ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इवन नहीं होता है. और जैसे ये फंडामेंटल मोड है, ये L1 है, तो ये लैम्डा बाय 4 के इक्वल है, तो लैम्डा बराबर कितना जाएगा, 4L1. दूसरा क्या आएगा, ये तो है फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा जो वाइब्रेशन है अगले वाला वो कुछ ऐसा आएगा, उसमें लैम्डा कितना आएगा, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4, तो 3 लैम्डा बाय 4 जो है वो L1 के बराबर होगा. सो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 4L1 बाय 3, इस तरीके से. तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी वो कितनी आएगी, इसमें देखें तो V अपॉन में 4L1 V बाय लैम्डा, और इसमें कितनी आएगी, V अपॉन में 4L1 बाय 3. तो अगले वाला पक्का 5 आएगा यहाँ पर, 1 3 5, ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो इसमें कह रहा है कि थर्ड ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, ये तो फंडामेंटल हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन. सेकंड ओवरटोन में क्या आएगा, 5 आएगा, और थर्ड ओवरटोन में क्या आएगा, 7 आएगा. तो थर्ड ओवरटोन बोले तो यहां जाएगा 7V अपॉन में 4L1. अब ये कह रहा है कि ये जो है ना थर्ड ओवरटोन, ये ओपन ऑर्गन पाइप के सेकंड हार्मोनिक के बराबर है. ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है उसके अंदर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इवन भी होते हैं और ओड भी होते हैं, ठीक है. और सेकंड हार्मोनिक का मतलब देखो, ये तो फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा ओपन ऑर्गन पाइप में, और सेकंड हार्मोनिक का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, देखो, ठीक है. ये कितना लेंथ है यहां से यहां तक, ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, लैम्डा हो गया, राइट, लैम्डा. और ये लेंथ मान लीजिए L2 है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी क्या लिख सकता हूं, V अपॉन में लैम्डा, एंड लैम्डा इज L2. V से V कैंसिल आउट हो गया, हमसे L1 और L2 का रेशियो पूछा है, सो L1 L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/4. तो ये था 18th नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइड टू टू रिजिड सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लेंथ वेव लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन इट. तो दोनों एंड को आपने एक धागे से बांध दिया है, यहाँ पर क्लैंप कर दिए गए हैं, और आपसे पूछा है मैक्सिमम वेव लेंथ क्या होगी, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होगी.
सीधी सी बात है, फर्स्ट हार्मोनी के जो फंडामेंटल मोड होगा इसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और ये लेंथ अगर एल है तो ये लैम्डा बाय फोर के बराबर है, तो लैम्डा बाय फोर इक्वल टू एल, राइट? सो लैम्डा इक्वल टू, सॉरी लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय टू है तो लैम्डा बाय टू इक्वल टू एल, देन लैम्डा इक्वल टू टू एल, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यही होगी, और एल आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फॉर स्टैंडिंग वेव y इक्वल टू 10 साइन पाई बाय 18 एक्स कोस 84 पाई टी मीटर मीटर डिस्टेंस मीटर में है बिटवीन ए नोड एंड नेक्स्ट एंटीनोड इज। स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होती है तो नोड और नेक्स्ट जो एंटीनोड बनता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 के बराबर होगी। देखो ये नोड है और इसका अगला नेक्स्ट एंटीनोड जो ये यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी लैम्डा बाय 4 के बराबर होगी, तो लैम्डा निकालना है। और ये साइन ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये के को रिप्रेजेंट करेगा, ये ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, के से ही अपने पास लैम्डा आएगा। के कितना है यहाँ पर, के है पाई बाय 18 और के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, लैम्डा बराबर कितना आ गया 36 मीटर, और लैम्डा जो 36 मीटर है तो हमको तो लैम्डा बाय 4 चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए, तो बाय 4 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है कितना आएगा 9, तो इसका आंसर कितना जाएगा 9 मीटर, ठीक है। थर्ड, स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिसीव्स सोनिक ऑसिलेशंस फ्रॉम द टू ट्यूनिंग फोक्स वन ऑफ विच अप्रोचेस एंड अदर रिसीव्स विद द सेम स्पीड एज दिस टेक्स प्लेस द ऑब्जर्वर हियर्स द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज फाइंड द स्पीड वी इन मीटर पर सेकंड ऑफ ईच ट्यूनिंग फोक इफ देयर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड वी एस इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड एंड हियर वी इज वेरी वेरी लेस देन वी एस। वी एस क्या है, वी एस है स्पीड ऑफ साउंड, राइट? स्पीड ऑफ साउंड है वी एस, और वी क्या है स्पीड ऑफ ट्यूनिंग फोक। तो ऑब्जर्वर यहां पर है, एक ट्यूनिंग फोक तो इस तरफ आ रहा है और एक ट्यूनिंग फोक दूर जा रहा है, इससे ट्यूनिंग फोक की जो स्पीड है वो वी है, इसकी भी वी है, ठीक है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा ये ज्यादा वाली होगी, इससे कम वाली होगी, और बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए बताओ बीट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट सोर्स पास आ रहा है तो वी एस, ध्यान रखना स्पीड ऑफ साउंड है, तो वी एस अपॉन वी एस माइनस वी है ना, क्योंकि जो सोर्स है वो पास आ रहा है और इसके कारण फ्रीक्वेंसी जो है वो कम सुनाई देगी। एफ डबल डैश लिख देता हूं मैं, एफ नॉट वी एस अपॉन में वी एस प्लस वी, ये वैल्यू आ गई। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें तो अपने पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन करें तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दो सब्ट्रैक्ट करो तो एफ नॉट वी तो वैसे ही कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम आ जाएगा वी एस स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा वी एस प्लस वी माइनस वी एस माइनस माइनस प्लस वी, ओके। तो यहां पर देखा जाए तो वी एस यहां कैंसिल आउट हो जाएगा और वी ट्वाइस हो जाएगा, करेक्ट। अब ये दे रखा है कि वी एस जो है वो वी से काफी ज्यादा है, तो इस वी को आप इग्नोर कर सकते हो, यहां पर इस वाले वी स्क्वायर वाले पार्ट को यहां पर हटा सकते हो आप, ठीक है, v वाला पार्ट हट जाएगा ना यहाँ पर, और ये सॉरी ये वी एस, वी एस कॉमन लिया ना यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट तो हट गया, तो फिर वी एस स्क्वायर बचा, वी एस से वी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी है रफली 2 एफ नॉट वी अपॉन में वी एस, ये वैल्यू आ गई, ये बीट फ्रीक्वेंसी है डेल्टा एफ, ठीक है, 2 एफ नॉट वी अपॉन में वी एस। ये ध्यान रखना वी एस जो है स्पीड ऑफ साउंड है, उल्टा मत समझ लेना आप, तो वी जो है हमको दे रखा है यहाँ पर 340, Vs हमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं नहीं सॉरी V पूछा है हमसे ट्यूनिंग फोक की स्पीड कितनी होगी, V की वैल्यू पूछी है, तो V कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 2 इंटू एफ नॉट, एफ नॉट अपन को दे रखा है 680, V पूछा है अपॉन में Vs कितना है 340, और यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी अपन को 2 दे रखा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे देखो तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 34 इंटू 68 होता है तो 2 आ जाएगा, तो V बराबर आ गया 1/2 है ना, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड में पूछा है तो 0.5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ, ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर 50 वोल्ट इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव फ्रीक्वेंसी दिस, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.0 इन 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.0 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, और देन प्रेशर एम्पलीट्यूड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू अंडर रूट 330 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज, तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, राइट? और इसमें हमसे
पूछा है इसका आंसर कितना आएगा. नंबर एम्पलीट्यूड पूछा है, प्रेशर एम्पलीट्यूड. देखो पहली बात तो ये है कि पॉइंट सोर्स है आर डिस्टेंस पर, इसकी पावर दे रखी है अपन को, पावर मान लीजिए इसका पी है. आर डिस्टेंस पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी की बात करें तो आर डिस्टेंस पे मिलेगी पी अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर. पॉइंट सोर्स है ना, पावर इसकी पी लिए मैंने, ये ध्यान रखना पी पावर है, 4 पाई आर स्क्वायर आर आपको गिवन है, इंटेंसिटी आ गई. और इंटेंसिटी वेव के लिए अगर अपन इंटेंसिटी को लिखें तो लिख सकते हैं 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी. वी ध्यान रखना स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है. रो डेंसिटी आपको गिवन है, ए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में अपन को इसको लेके आना है. तो देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड को मैं अगर पी नॉट मान लूं तो पी नॉट इज इक्वल टू बी ए के होगा, ठीक है. बी बल्क मॉड्यूलस है कि एंगुलर वेव नंबर है यहां पर, और ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वी होता है, सही है. तो अगर मैं यहां पर ओमेगा की वैल्यू के इंटू वी रख दूं तो यहां देखो के स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, तो वी क्यूब हो जाएगा ये. और यहां पर ए स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के स्क्वायर रखूं तो पी नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं रो बाई टू P नॉट स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर और इनटू में V क्यूब आ जाएगा, ठीक है. अब B स्क्वायर देखो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है V बराबर अंडर रूट बी बाय रो होता है, अपन को डेंसिटी तो गिवन है यहां पर. तो बल्क मॉडुलस को इन टर्म्स ऑफ V लिख सकता हूं, तो B बराबर कितना आ जाएगा यहां से रो इंटू वी स्क्वायर. तो रो इंटू वी स्क्वायर इसमें रखूं रो इंटू वी स्क्वायर, तो रो की पावर रो इंटू वी स्क्वायर, तो रो स्क्वायर इंटू वी की पावर 4 आ जाएगा. तो ये वाली वैल्यू P नॉट की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, ठीक है. सॉरी ये इस वाले पार्ट की वैल्यू आई है. तो यहाँ पर v क्यूब हट जाएगा, ये v बचा केवल, रो से रो हट गया. तो यहाँ वैल्यू आ गई अपने पास p नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 रो v. ये देखिए ये इंटेंसिटी आई, p नॉट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड विच इज गिवन, रो डेंसिटी गिवन है, v स्पीड ऑफ साउंड विच इज ऑल्सो गिवन, सारा डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं आ रहा यहाँ पर. और ये वाली वैल्यू जो है अपन को रखनी है p अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर. तो पावर गिवन है, ये पावर है, डिस्टेंस भी गिवन है, बाकी पी नोट अपन से पूछा है, यहां पर पी नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, रो अपन पास दिया हुआ है, वी भी अपन को दिया हुआ है. तो इस रिलेशन को यूज करके अपन यहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो आता है जी अपने पास 5, है ना, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिफ्थ, ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 83.2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज वाइब्रेटेड. The velocity of sound is 340 meter per second. Find the number of overtones in this tube having frequency below 1000 hertz. The number of overtones अपन से पूछा है इसमें. Closed organ pipe है जी. ध्यान रखना इसमें diameter आपको दे रखा है, ठीक है? Length दे रखा है, diameter दे रखा है. तो diameter देने का मतलब सीधी सी बात, इसमें end error correction आपको consider करना पड़ेगा. End error correction अपन सब लोग जानते हैं 0.6 times R होता है या 0.3 times D होता है. D diameter है यहाँ पर. और ये organ pipe की length है, ठीक है? इसमें vibration कैसा होगा? Fundamental mode में ऐसा vibration होगा, ठीक है. लैम्डा की टर्म्स में अगर अपन देखें तो किस किस फ्रीक्वेंसी का साउंड अपन को मिलेगा. एफ इक्वल टू वी ओवर 4L आता ही है, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, है ना. तो सबसे पहले काम करते हैं अपन वी अपॉन 4L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. और L ध्यान रखना यहाँ पर, अब L नहीं होगा, L प्लस में ये वाली वैल्यू होगी. तो ये जो टोटल लेंथ है ये अपन को यहाँ पर रखनी पड़ेगी. तो L की वैल्यू अपन को गिवन है यहाँ पर 83.2 सेंटीमीटर, राइट. और 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो 0. ये डायमीटर है, राइट. तो 0.3 को 6 से अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1.8 अगर ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 4, 5 और ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर आ गया ये. तो यहाँ पर ये 85 सेंटीमीटर रखना है अपन को. n तो n ही रहने दो, v की वैल्यू हमको दे रखी है 340 रख दीजिए अपॉन 4 और ये आ जाएगा 85, और सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर ले गया मैं इसको, ठीक है. बाकी इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं जी. इसको सॉल्व करें तो 5 इंटू 85 कितना आएगा, ये आ जाएगा 32 और 2, 34. तो ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 100 इंटू एन. तो फ्रीक्वेंसी 100 इंटू एन के इक्वल आ रही है, ठीक है. अब मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड इसमें पॉसिबल है 1000 हर्ट्ज से नीचे अगर बात करें. एन की वैल्यू पहले 1 लिखेंगे तो 100 आएगा, फिर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 300, फिर 5 रखेंगे तो कितना आएगा 500, फिर 7 रखेंगे तो कितना आएगा 700, फिर 9 रखेंगे तो कितना आएगा 900, फिर 11 आएगा 1100. लेकिन 11 पर जाना ही नहीं है अपन को तो यहीं तक रखना है. अब ये बताओ, ये तो हो गया फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड, इसको फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, तो कितनी ओवरटोन्स इसके अंदर आएगी, 4. तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, 4.
Sixth, a man is watching two trains, one leaving and the other coming in the equal speeds, 4 meter per second. If they sound their whistles, each of frequency 240 hertz, the number of beats heard by the man. ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है? मैन यहाँ पर रेस्ट में है, एक सोर्स जो है वो इधर आ रहा है, ठीक है, और एक सोर्स जो है दूर जा रहा है. इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नोट है, इसकी भी मान लीजिए एफ नोट है. ये वी एस स्पीड से आ रहा है और ये भी वी एस स्पीड से जा रहा है, ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड में वी मान लेता हूँ. यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इसको सुनाई देगा? एफ नोट ब्रैकेट वी अपॉन में वी माइनस वी एस. इसको कितनी फ्रीक्वेंसी का, मतलब इस वाले के कारण कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा? एफ नोट वी अपॉन वी प्लस वी एस. और ये देखो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, जो कि वी के कंपेटिवली काफी कम है, तो अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है. सब्ट्रैक्शन मैं कर चुका हूं, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है. एफ नॉट वी वही ऊपर आया और नीचे वही सेम है, वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर. और यहां क्या आएगा, यहां देखो वी से वी कट जाएगा, 2 वी एस बचेगा. और इस वी एस वाले पार्ट को हटा सकते हो आप, वी से वी ये हट जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आई 2 एफ नॉट वी एस अपॉन में वी. ये बीट फ्रीक्वेंसी है डेल्टा है, और यही अपन से पूछा है. यहां पर ये वैल्यू रख दें आप, देखिए 2 इंटू एफ नोट कितना है, एफ नोट अपने पास 240 हर्ट्ज, वी एस 4 है, और वी स्पीड ऑफ साउंड 320 अपन को दे दिया है यहाँ पर, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लें, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट तो 4 8 32 हो गया, 2 2 4 4 6 24, ठीक है. तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. 6 का आंसर जो है वो 6 के इक्वल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. 7th, a string of length L is fixed at both ends. It is vibrating in third overtone with maximum amplitude A. Third overtone का मतलब देखो, fundamental mode, फिर first overtone, second overtone, ठीक है, समझ आ रही बात? तो fundamental mode, फिर first overtone, फिर second overtone और third overtone में है, तो इसका मतलब एक और लूप बना लिया. तो ये जो कंप्लीट लेंथ है ना, ये एल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटीनोड का जो वाइब्रेशन है वो ए है अपने पास, ठीक है. अब कह रहा था एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस एल बाय 3 फ्रॉम वन एंड इज. अब ये पूरा कंप्लीट एल है, यहां से ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो ये एल बाय 2 हो गया, ठीक है. और एल बाय 2 का भी हाफ क्या हो जाएगा, एल बाय 4 हो जाएगा. यहां तक ये L by 4 है, सही है. और L by 3 L by 4 से ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इस रीजन में अपन को देखना है यहां पर कितना आएगा, राइट. तो देखिए ये L by 4 हुआ, ये L by 3 हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहां से यहां तक की, जहां पे अपन से पूछा है L by 3, तो L by 3 तो ये वाली डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, और ये L by 4 है, तो L by 3 माइनस L by 4 कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, L by 12. तो यहां से जो डिस्टेंस है ना वो L by 12 पे, मतलब L by 12 पे अपन से पूछा है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना. अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये साइन की इक्वेशन है, इससे आप डायरेक्टली डील कर सकते हो. साइन kx की इक्वेशन है ये, ठीक है. और यहां पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है विच इज ऑल्सो गिवन a, सो मैं लिख सकता हूँ a साइन kx, खत्म. और यहां से आपको पता है ये तो एम्पलीट्यूड a आ गया, और x डिस्टेंस पर मुझे एम्पलीट्यूड पूछा है, तो ये मैं a डैश मान लेता हूँ, तो a इंटू साइन, ठीक है, k 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x. अब यहां से जो x डिस्टेंस है वो l बाय 12 है, ये l बाय 12 लिख दो. अच्छा, लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l रखनी है, तो अपन को पता है कि ये जो लेंथ है कंप्लीट, ये देखो ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा जो है ना वो l के इक्वल है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू l, देन लैम्डा इक्वल्स टू l बाय 2, तो यहां से l बाय 2 आ जाएगा ये, ठीक है. l से l ही कैंसिल आउट हुआ, ये 2 ऊपर है, ठीक है, 2 to 4, 4, 3, पाई बाय 3 आ गया, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 2 आ जाएगा, ठीक है. 7th का आंसर आ गया इसका 2. चलिए जी, ओके, तो ये था जेई मेंस का सेक्शन जिसको हमने अभी फिनिश किया है. अब एडवांस के सॉल्यूशन पे, जो कि पार्ट 2 है, इस पे चलते हैं. इसका सेक्शन नंबर, सेक्शन ए जो है पैराग्राफ टाइप है, इसके क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. पैराग्राफ 1, ए पल्स स्टार्टेड एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन ए लॉन्ग टॉट स्ट्रिंग, द शेप ऑफ द पल्स एट टी इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय द फंक्शन वाई विथ. ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें वेव पल्स बनानी है सबसे पहले, ठीक है.
y and x are in centimeters, the linear mass density of the string is 50 gram per meter and it is under a tension of 5 newton. तो पहली बात तो अपन स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो हमको टेंशन दे रखा है 5 न्यूटन और लीनियर मास डेंसिटी 50 ग्राम दे रखा है, तो v कितना आएगा, स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू, हियर t इज 5 एंड म्यू इज 50 ग्राम, 10 टू द पावर माइनस 3, 5 से 5 गया 10 की घात माइनस 2 आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई. तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है. और वेव पल्स की शेप कैसे बनानी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है. तो चलिए बनाते हैं अपन, इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार. ओके, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं तभी समझ में आएगा अपन को. देखो तो ये कह रहा है कि 0 से -4 के बीच में है ना इक्वेशन x बाय 4 प्लस 1 है, और 0 से 1 के बीच में बात करें तो -x प्लस 1 है, ठीक है. इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, तो x बाय 4 प्लस 1 है ना, अगर x की वैल्यू 0 और -4 के बीच में, ठीक है. और एक वैल्यू दे रखी है माइनस का x प्लस 1, x की वैल्यू 1 से लेस और 0 से ग्रेटर हो. तो अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. आइए तो सबसे पहले इसका पल्स का डायग्राम हमें बनाना होगा, तो डायग्राम बना लेते हैं जी. ये x, ये y, ठीक है. तो देखो जब नेगेटिव x है ना, ये तो जीरो हो गया, नेगेटिव x माइनस फोर से जीरो के बीच में बात करें तो इक्वेशन x बाई फोर प्लस वन है, स्लोप पॉजिटिव है. तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस फोर रखूँ तो माइनस फोर बाई फोर माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा. इसका मतलब माइनस फोर यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, और इस वैल्यू जीरो होगी और स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए. और x की वैल्यू अगर जीरो रख दूँ तो जीरो बाई फोर जीरो वन, तो y की वैल्यू वन आ जाएगी. इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा वाला, ठीक है. पॉजिटिव साइड में चलो जीरो से वन के बीच में बात करें तो x बराबर जीरो रख दूँ तो 1 आएगा, वो तो ठीक आ ही रहा है. और x की वैल्यू अगर 1 रख दूँ तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा. तो x की वैल्यू 1 रखने पर, यहाँ पर रखने पर 1, तो y की वैल्यू 0 आ रही है. इसका मतलब माइनस x प्लस 1 है, स्लोप भी नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा आएगा. देखो तो जो पल्स है ना वो पल्स कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है. पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको. उसके बाद में स्पीड अपन को हमने फाइंड आउट कर ली है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब इस तरफ जो है ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से ये पल्स जो है वो प्रोपगेट करेगी, ठीक है. अब सारा डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया है, स्पीड भी हमारे पास है. अब इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ. आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द स्ट्रिंग इज ड्रोन एट इक्वल टू जीरो एंड द एरिया ऑफ द पल्स एनक्लोज बाय द स्ट्रिंग एंड द एक्स एक्सिस मेजर्ड इट विल बी इक्वल टू, ये एरिया पूछा हमसे. तो ये तो सिंपल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना पूरा 4 and 1 5 हो जाएगा ना ये, इंटू हाइट ये कितना है 1 के तो बराबर है ये 1, तो 5/2 मतलब 2.5, और ये सेंटीमीटर में लिया तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसमें आगे चलते हैं. हाँ इसको पार्शियली रख करते हैं, आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 0.015 सेकंड विल बी, ये कह रहा है x बराबर 13 सेंटीमीटर पर और टाइम 0.015 सेकंड पर पार्टिकल जो होगा इस ट्रांसवर्स वेव पर उसकी स्पीड कितनी होगी. भैया पार्टिकल की स्पीड जो होती है ट्रांसवर्स वेव के लिए vp इक्वल टू माइनस v डेल y बाय डेल x होता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन जो वेव प्रोपेगेट करती है, तो ठीक है. डेल वाई डेल एक्स क्या होता है, स्लोप होता है. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि टी बराबर 0.015 सेकंड पे स्लोप कितना आएगा. तो देखते हैं स्पीड अपने पास है ना 1000 है, तो टी बराबर 0.015 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेव पल्स कितना शिफ्ट हो जाएगी. तो 0.015 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर तो शिफ्ट होगी. तो ये वेव पल्स है ना, इसको 15 सेंटीमीटर इधर ले आओ, ये लो जी वेव पल्स आ गई इधर, ठीक है. और ये कितना शिफ्ट हो चुका है, 15 सेंटीमीटर. और x बराबर 13 सेंटीमीटर पूछा है, अपन को ये पता है ये 15 सेंटीमीटर है और ये गैप जो ये वाला ये तो 4 ही रहेगा, तो ये 4 होना चाहिए, ये 15 है तो ये डेफिनेटली कितना आएगा, 11 आ जाएगा. और हमको 13 पे पूछा है, इसका मतलब 13 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पर. और ये वेव पल्स आगे जा रही है तो वेव पल्स थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो आगे जाएगी, तो ये पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए. तो नेगेटिव में 3 है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया प्लस का. बाकी वैल्यू देख लेते हैं, देखो v की वैल्यू तो 1000 है, तो v की वैल्यू तो 1000 रख दो डायरेक्टली सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर ऑप्शन दे रखा है. डेल बाय डेल एक्स स्लोप चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो इस वाले पॉइंट पर टेन थीटा कितना आएगा. तो देखो बहुत ही आसान है, देखो इस वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेन थीटा यही आएगा ना, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये गैप कितना है, ये तो 4 के बराबर ही है और ये हाइट कितनी 1, तो 1/4 आ जाएगा ये,
तो 1000 बाय 4 कितना होता है, 250, 250, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, माइनस का 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, ए प्लेन प्रेशर पल्स ट्रायंगुलर इन शेप अप्रोचेस ए रिजिड वॉल अलोंग ए नॉर्मल टू ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। सिचुएशन शो इन द फिगर, द पीक प्रेशर इज 100 पास्कल बाय द वॉल, पल्स गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड प्रेशर नियर द वॉल गेट्स डबल्ड। हाइट ऑफ द वॉल इज 2 मीटर एंड द विड्थ इज ऑल्सो 2 मीटर। ए डिटेक्टर ऑन द वॉल रिकॉर्ड्स ए मिनिमम एक्सेस प्रेशर ऑफ 16 पास्कल। देखो ये जो प्रेशर वेव आ रही है ना, ये तो ध्यान होना चाहिए, रिजिड एंड जो होता है प्रेशर वेव के लिए एक तरीके से रेरर मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो यहां से अगर पल्स आ रही है ना, तो आप है ना इस रीजन के अंदर वर्चुअली एक वेव और बना सकते हो, सेम इसकी मिरर इमेज। ये भी प्रेशर वेव है, ये भी प्रेशर वेव है ना, तो दोनों प्रेशर वेव आएंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाली तो इधर वाले रीजन में चली जाएगी और ये वाली इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इस वे से आप रिफ्लेक्शन को देख सकते हो, समझ सकते हो। अब क्या पूछा है, और ये कह रहा है कि यहां दीवार पे एक डिटेक्टर रखा हुआ जो कि 16 पास्कल तक, मतलब इससे ज्यादा वाला जो प्रेशर होगा ना उसी को डिटेक्ट करेगा, इससे कम वाले प्रेशर को डिटेक्ट नहीं करने वाला ये। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है, ठीक है। तो चलो डायग्राम तो यहां बना दिया है, पीछे वापस आना पड़ेगा, खैर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्टर विल रिकॉर्ड द प्रेशर पल्स। कितने समय बाद डिटेक्टर जो है वो प्रेशर पल्स को डिटेक्ट करेगा, तो अब इसमें पीछे जाना पड़ेगा अपन को। आइए देखो, मतलब यहां पर जब दोनों पल्स आएंगे ना, सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का सुपरपोजिशन के बाद में अपन को जो प्रेशर मिलेगा वो 16 पास्कल से ऊपर होते ही ये डिटेक्ट करने लग जाएगा। और वो 16 होने का मतलब ये होगा ना कि इस वाली पल्स का 8 पास्कल होना चाहिए और इस वाली का भी 8 होगा, 8 और 8 मिलकर तो 16 आएगा, करेक्ट, क्योंकि दोनों का सुपरपोजिशन जब होगा तो इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट है या प्रेशर का जो कह सकते हो प्रेशर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, इसके वाले भी की वैल्यू भी पॉजिटिव में होगी, दोनों ऐड होंगी, सुपरपोज होगा, ऐड होने के बाद में 16 होना चाहिए। 16 मतलब इंडिविजुअली बात करें तो 8 पास्कल होना चाहिए। तो अगर 8 पास्कल बात करें तो वो 8 पास्कल का प्रेशर इंडिविजुअल वेव के लिए कितने टाइम बाद में यहाँ पे मिलेगा अपन को, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो ये देखो ये 100 पास्कल है ये पीक वैल्यू, तो 8 पास्कल कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पूरा 100 है यहाँ पर और ये गैप कितना है 50 मीटर, तो 100 बाय 50 और ये जो है ये 8 है और ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ इतनी सी छोटी सी, तो ये 8 बाय x हो गया, 50 से कट करो ये 2 ये 4, तो x बराबर कितना आया 4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली ये 4 मीटर है और ये कितना दे रखा है 80 मीटर। इसका मतलब इस पल्स को जब यहाँ तक पहुँचेगी तो इस 8 पास्कल प्रेशर को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 84 मीटर और स्पीड कितनी है 400 मीटर पर सेकंड। तो टाइम भी आ जाएगा, टी इक्वल्स टू कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 84 अपॉन में स्पीड कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, इससे डिवाइड कर दें तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, 21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकंड इसका आंसर आएगा। इतने सेकंड बाद में ये प्रेशर जो है इंडिविजुअल वेव का 8 पास्कल होगा लेकिन टोटल प्रेशर जो आएगा यहाँ पर 16 पास्कल होगा, फिर देन प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड ऑप्शन 21, ठीक है, 21 इन 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, फिर देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द पल्स ऑन द वॉल, मैक्सिमम फोर्स पूछा है, ठीक है। अब पीछे जाना पड़ेगा, डायग्राम देखते हैं। आइए देखो, मैक्सिमम फोर्स, पहली बात तो ये है कि जब ये वाली पल्स यहां तक पहुंचेगी इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना 100 पास्कल, इसका भी 100 होगा तो सुपरपोज करेंगे तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा 200 पास्कल आएगा, सही है। तो यहां प्रेशर 200 पास्कल आ गया और ये पूछा उस केस में मैक्सिमम फोर्स कितना होगा वॉल पे, वॉल जो है उसका लेंथ और विड्थ वगैरह सब कुछ दे रखी, हाइट दे रखी 2 मीटर और विड्थ दे रखी 2 मीटर, तो एरिया कितना आएगा वॉल का, एरिया जाएगा 2 इंटू 2 4, एरिया 4 आ गया 4 मीटर स्क्वायर और मैक्सिमम प्रेशर यहां पे कितना आएगा 200 पास्कल, तो फोर्स कितना आएगा एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए 200 पास्कल इंटू 4 विच मीन्स 800 न्यूटन, राइट। तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या आ जाएगा अपने पास 800 न्यूटन सेकंड ऑप्शन, मतलब इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जी, क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अपन सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन बी
क्वेश्चन नंबर वन आइए देखिए. इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज यूज्ड. इनिशियली इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. इट इज वाइब्रेटेड विद ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज. टू अचीव रेजोनेंस द वाटर लेवल इज लोअर्ड. देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की फिक्स है 340. तो वी अपॉन में अगर मैं एफ कर दूं लैम्डा आ जाएगा अपने पास. तो वेवलेंथ जो होगी साउंड की वो 340 अपॉन 340 मतलब 1 मीटर आ जाएगी. लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 1 मीटर. तो लैम्डा तो फिक्स हो गया. एंड करेक्शन को अपन को इंक्लूड नहीं करना है. अब इसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है जी. देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम टू हैव द रेजोनेंस इज 45 सेंटीमीटर. ये ट्यूब है. पूरी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर. इसमें पानी भरा हुआ और पानी को आप लोअर करते हो नीचे की तरफ. ठीक है. और पानी के कॉलम की मिनिमम लेंथ पूछी अपन से. ये पानी है. ये मिनिमम लेंथ पूछी अपन से. ठीक है. हमें पता है कि यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा फंडामेंटल मोड है तो कुछ इस टाइप से बनेगा है ना. फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है तो कुछ इस टाइप से बनेगा. तो जो वेवलेंथ है यहाँ पर अगर मैं ये कॉलम देखूँ ये वाला इसकी लेंथ किस किस पैटर्न में आनी चाहिए अपने पास. एक तो लैम्डा बाय 4 आ सकती है. अगर इस पैटर्न में आएगी तो लैम्डा बाय 4 आएगी. इस पैटर्न में आएगा तो फिर उस केस में 3 लैम्डा बाय 4 आएगा. ठीक है. लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 है ना. तो इस टाइप से इस पैटर्न से ये जो लेंथ है वो अपन को मिलने वाली है यहाँ पर. अब यहाँ लैम्डा 1 मीटर है तो 1 मीटर बाय 4 मतलब 25 सेंटीमीटर आ गई. ये 25 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर. तो ये जो एयर कॉलम है ना इसकी जो लेंथ है वो कितनी कितनी हो सकती है. इसके अकॉर्डिंग 25 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 75 ले सकते हो, 125 ले सकते हो. लेकिन 120 टोटल सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है पाइप की वो टोटल 120 सेंटीमीटर ही है. अब 125 तो ले नहीं सकते. तो मैक्सिमम लेंथ जो है 75 ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. तो उस केस में वाटर लेवल की मिनिमम हाइट आ जाएगी. तो 120 में से 75 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू आती है 45 सेंटीमीटर. मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है. मिनिमम लेंथ ये सही है. सेकेंड देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज 50 सेंटीमीटर. सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है. तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी है 100 सेंटीमीटर. तो 100 बाई 2 कर दें तो 50 सेंटीमीटर आ रहा है जी. तो सेकेंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है. थर्ड पे चलें द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम टू क्रिएट द रेजोनेंस इज 95 सेंटीमीटर. सीधी सी बात है एयर कॉलम की लेंथ अगर मिनिमम लेंगे तो वाटर कॉलम की हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी उस केस में. तो 120 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट कर दूं मतलब कुछ यहाँ तक आएगा वाटर कॉलम. तो 25 अगर मैं 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 95 सेंटीमीटर आएगी. इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है. फोर्थ देखें द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज 25 सेंटीमीटर. ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे. नेक्स्ट पे चलें. आइए टू नैरो ऑर्गन पाइप्स वन ओपन लेंथ L1 दे रखी है अदर वन इज क्लोज लेंथ L2 दे रखी है. आर साउंडेड इन देयर रेस्पेक्टिव फंडामेंटल मोड्स द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड इज 5 हर्ट्ज. इफ नाउ द पाइप्स आर साउंडेड इन देयर फर्स्ट ओवरटोन्स देन ऑल्सो द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड इज 5 हर्ट्ज. तो पहले तो इनको फंडामेंटल मोड में अपने साउंड किया दोनों को. एक तो है ओपन ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर फंडामेंटल मोड जो आता है जो फ्रीक्वेंसी रहती है वाइब्रेशन की उस फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकते हैं वी अपॉन में है ना. ओपन है तो वी अपॉन में 2L1. और दूसरा जो है क्लोज्ड है तो माइनस वी अपॉन में 4L2. सही है ये. ठीक है. तो वी अपॉन में 2L1 माइनस वी अपॉन में 2L2. ये फ्रीक्वेंसी कितनी है जो भी है बीट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. इसको डेल्टा एफ अपन लिख सकते हैं. और दूसरा कह रहा है कि अगर इनको बीट फ्रीक्वेंसी हालांकि 5 दे रखा है अपन को देखते हैं 5 रख दिया मैंने. दूसरा कह रहा है कि नाउ द पाइप्स आर साउंडेड इन देयर फर्स्ट ओवरटोन्स. फर्स्ट ओवरटोन में इसके लिए क्या आएगा वी अपॉन L1 और इस वाले के लिए क्या आएगा माइनस वी अपॉन में 4L2/3. ठीक है. ये वैल्यू आ गई अपने पास. और ये भी बीट फ्रीक्वेंसी अपन को 5 दे रखी है. सही है ना. तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया सिंपली और दोनों की वैल्यू सेम है. अब इन दोनों को इक्वेट कर दें अगर अपन तो देखो वी वी कट जाएगा दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से वैल्यू क्या है इसमें एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 8L1L2. यहाँ जाएगा 4L2 माइनस 2L1 इज इक्वल टू इसमें देखें एलसीएम ले लें 4L1L2 और यहाँ जाएगा अपने पास 4L2 माइनस 3L1. ये इससे L1L2 कट गया. ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी. तो 4L2 माइनस 2L1 इज इक्वल टू 8L2 माइनस 6L1. ये L2 8L2 4L2 तो ये कितना बचा 4L2.
ये 6L1 इधर आ जाएगा, तो ये 4L1, 4 से 4 कट गया, L1 by L2 equals to 1 ratio 1 आ गया, तो second option इसका सही आ रहा है। लेकिन ये more than 1 के अंदर है, तो अपन को देखना पड़ेगा कि क्या और भी option possible हैं। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है दूसरे वाले केस के अंदर beat frequency negative में -5, मतलब ये वाली value जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी comparatively, ऐसी भी possibility हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव ले, मतलब ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -5 ले लूँ तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और अगर ये माइनस आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस आ गया, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8L2 जब इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा इस केस में 12L2, और ये 6L1 है इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 8L1, 4 से कट कर दो, ये 2 ये 3, तो L1 by L2 इस केस में 3/2 आ रहा है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन भी इसका पॉसिबल है। तो सेकेंड और थर्ड जो है इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे, बाकी जो है वो मैचिंग नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आइए। इन द फिगर शोन एन ऑब्जर्वर ओवन फ्लोट्स स्टैटिक ऑन द वाटर सरफेस विद एयर्स इन एयर व्हाइल अनदर ऑब्जर्वर O2 इज मूविंग अपवर्ड्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1 v/5 इन वाटर, द सोर्स मूव्स डाउन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी vs = v/5 and emits sound of frequency f. The velocity of sound in air is v and that in the water is 4v for the situation shown in the figure. देखिए सोर्स है यहाँ पर, ये सोर्स की वेलोसिटी v by 5 है, ये ऑब्जर्वर O1 है जो कि रेस्ट में है यहाँ पर, और एक ऑब्जर्वर O2 है जो कि v by 5 स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कुछ दे रखा अपन को, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v और इसके अंदर है अपने पास 4v, इसका थोड़ा ध्यान रखना है हमें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय ओवन इज, ओवन कितनी वेवलेंथ का साउंड रिसीव करेगा। देखो वेवलेंथ कब चेंज होती है, देखो अगर मीडियम सेम रहे तो, अगर सोर्स मूव करता है ना तो उस केस में ही वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन अगर सोर्स रेस्ट में है या सोर्स मूव सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव करे, ऑब्जर्वर की मोशन से वेवलेंथ पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये पता लगाना है कि जो सोर्स मूव कर रहा है इससे जो वेव्स आएंगी ओवन के पास उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो अपन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पर एफ है, ठीक है, और जो साउंड है यहाँ पर वी स्पीड से आ रहा है तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो सुनाई देगा, एफ डैश लिख देते हैं इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वी अपॉन, ये पास आ रहा है तो वी माइनस वी बाय फाइव आ जाएगा, तो 4v/5 आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ, या v या 4v/5, ठीक है, v से v कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव f डैश इक्वल्स टू 5f/4, ये इतनी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो इसको सुनाई देगा, तो इसको कितनी वेवलेंथ का जो वेव है मिलेगा, वेवलेंथ जो है वो मैं लिख देता हूँ लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितनी स्पीड से आ रहा साउंड v से ना, तो v अपॉन में 5f/4, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो तो 5f/4, तो इतनी वेवलेंथ का साउंड ये रिसीव करेगा ओवन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मिल भी रहा है हमें, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय ओवन इज वी बाय एफ, तो ओवन जो रिसीव कर रहा है साउंड उसका वेवलेंथ वी बाय एफ बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। थर्ड पे चलते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O2 इज 21f/16, अभी कह रहा जो O2 जो रिसीव करेगा ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो इतनी है, इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो साउंड वेव आई, ठीक है, उस पानी के अंदर जो एंटर होगी साउंड वेव उसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास है 5f/4, ये ठीक है यहाँ पर। अब ये फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, अब यहाँ पर एक तरीके से आप यहाँ सोर्स मान लीजिए और उस सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इतनी है, और उससे जो वेव आएगी वो पानी के अंदर चल रही है, तो पानी के अंदर स्पीड 4v है, और ये जो ऑब्जर्वर है ये खुद मूव कर रहा है v/5 से, तो अब कितनी फ्रीक्वेंसी का इसको साउंड सुनाई देगा, वो फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ f" इज इक्वल टू, एक तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आएगी सोर्स की जो कि 5f/4 के बराबर होगी, पानी के नजदीक उस सोर्स को आप अज्यूम कर लो एक तरीके से, तो 5f/4 ब्रैकेट v, अब यहां पर ध्यान रखना पानी के अंदर वेव चल रही है तो 4v स्पीड, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है पास जा रहा है उसके, तो प्लस में v/5 अपॉन में 4v, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आगे 5 और 20 और 21, ये 21v/5 आ जाएगा, ठीक है, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, 21v से v कैंसिल आउट हुआ, तो 21f/16 ये मिल भी रहा है अपन को, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखिए, द वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय O2 इज, जो
O2 है वो कितनी वेवलेंथ का साउंड जो है रिसीव करेगा। अब ध्यान रखना, जो भी वेवलेंथ इस वेव्स की पानी के अंदर होंगी वही सेम वेवलेंथ इसके पास पहुंचेगी। इस ऑब्जर्वर की मोशन से वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आती है इस पानी के अंदर वेवलेंथ कितनी होगी। देखो ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी जो है वो पानी के अंदर जाने से चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी 5f/4 के बराबर ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और फ्रीक्वेंसी ये वाली है और इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो पानी के अंदर जो साउंड वेव आएगी उस साउंड की वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वेवलेंथ लिख सकता हूं 4v इज द स्पीड, सही है, इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 4v है और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पे आ जाएगी 5f/4। कितनी वैल्यू आई, 16v/5f। तो इतनी वेवलेंथ का साउंड जो ये आएगा और ध्यान रखना ऑब्जर्वर की मोशन से वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वेवलेंथ के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी वही ली है जो यहां से वेव्स एंटर करेंगी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी को और स्पीड को मैंने रेट किया एंड देन फिर हमने वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली विच इज 16v/5f, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फोर्थ पे आ जाइए। टू ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी प्रोड्यूस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड 262 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। एन अननोन नोट साउंड एट द सेम टाइम विद ए प्रोड्यूसेस बीट्स व्हेन द सेम नोट इज साउंडेड विद बी बीट प्रोड्यूसेस विद इज ट्वाइस एज लार्ज द अननोन फ्रीक्वेंसी कुड बी। ठीक है, तो इसको तो वैसे डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लें अपन, ठीक रहेगा। तो चलो देखते हैं, ये कह रहा है एक बार तो इसके साथ आप साउंड कीजिए और फिर इसके साथ साउंड करोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी इससे डबल आ रही है। तो अगर मैं 268 लूँ तो 256 माइनस 268 करें भी डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर यहाँ आ रहा है अपने पास डिफरेंस ये आ जाएगा 12, राइट, ये 12 का डिफरेंस आ रहा है और उसके साथ करें तो ये डिफरेंस आ रहा है कितने का, 6 का, लेकिन इसमें डबल होना चाहिए तो ये तो उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड देखें, 250 लो, 256 माइनस 250 करें तो 6 आ रहा है और 262 माइनस 250 करें तो 12 आ रहा है, डबल आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है, सही है। थर्ड देखिए, 260 करो, इसमें डिफरेंस लें तो 6 का आ रहा है और इसमें डिफरेंस लें 2 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फोर्थ देखो, 256, 258, 2 का डिफरेंस आ रहा है और 262, 258 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, डबल का आ गया ना, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ जो है वो इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। फिफ्थ पे आइए, इफ द टेंशन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 21% द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस बाय 15 हर्ट्ज। Which of the following statements will also be correct? Fundamental frequency जो होती है, एक string है simply, तो कुछ ना दे रखा हो तो अपन को यही मान के चलना है कि दोनों जो ends हैं उसके notes और वो fundamental mode में vibrate होगी, तो frequency जो है f equals to v upon में 2L आ जाएगा और v को अपन लिख सकते हैं under root t by mu 1/2L, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये कह रहा है टेंशन को 21% से आपने इंक्रीज कर दिया, तो t का 21% कितना आएगा, t का 21% आएगा 21t/100 और इसको इंक्रीज कर दिया t के साथ, ऐड करोगे तो 121t/100 आ गया। अब जो टेंशन है वो चेंज हो चुका है और ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो जो नई वाली फ्रीक्वेंसी है f डैश वो कितनी आएगी, इसका अंडर रूट होगा तो 11 और 10 ये सेपरेट हो जाएगा, बाकी अंडर रूट t/μ और 12 वो तो सेम ही है ना, वो तो सेम ही है, इसका मतलब वो f के बराबर आ गया। तो f डैश इक्वल्स टू 11f/10 और ये कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग चेंजेस बाय 15 हर्ट्ज, तो इसका मतलब f डैश माइनस एफ जो है वो 15 दे रखा है अपन को, तो 11/10 एफ माइनस एफ करोगे तो एफ बटा 10 आ जाएगा, एफ बटा 10 बराबर 15, तो एफ बराबर कितना आ गया 150 हर्ट्ज, द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नियरली 150 हर्ट्ज, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। दूसरा देखो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन चेंजेस नियरली बाय 4.5%। वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन जो वी है ना, वी की वैल्यू कितने परसेंट से चेंज होगी, वी यहाँ पर देखा जाए तो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और बाद में अगर अगर अपन वी देखें, यहाँ पर वी देखा जाए तो 121t/100 का अंडर रूट आएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11/10, पहले अगर वी था तो अब पक्का पक्का वी जो है वो 11/10 वी हो जाएगा, वी डैश, यही तो है, टेंशन से तो इफेक्ट पड़ेगा। अब वी में अगर परसेंटेज चेंज भी अगर अपन देखें तो 1.1 है, तो इसका मतलब 10% चेंज ही तो आया वी के अंदर, तो वी के अंदर चेंज जो है वो 10% है, लेकिन 4.5 इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। और थर्ड कह रहा है, थर्ड भी यही है, अच्छा 10% है, इसका मतलब थर्ड सही है इसका। द फंडामेंटल वेवलेंथ ऑफ चेंज इज नियरली बाय 10%, क्या वेवलेंथ इसकी चेंज होगी, अगर आप गौर से देखो इस वेव की वेवलेंथ चेंज होनी चाहिए। देखो
स्ट्रिंग तो वही है ना, तो लेंथ तो वही है, तो फंडामेंटल जो वेवलेंथ है उसमें थोड़ी चेंज आएगा, वो तो लैम्डा बाई टू बराबर एल के बराबर होगा तो लैम्डा बराबर टू एल आएगा, तो लेंथ चेंज कर ही नहीं रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू तो टू एल ही रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, इसका मतलब ये वाला भी गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अब सिक्स्थ पे बढ़ते हैं। आइए, टू वेव्स ऑफ द इक्वल फ्रीक्वेंसीज एफ एंड वी ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम पाथ, द वेव्स हैव एम्पलीट्यूड ए एंड थ्री ए। देन देखो, दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, स्पीड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड ए और थ्री ए है, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, लेकिन ध्यान रखना इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, तो जहां पर एंटी नोड है ना वहां पर तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 3a plus a मतलब 4a, और जहां नोड है वहां पर एम्पलीट्यूड आएगा 3a minus a मतलब 2a, मतलब कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो, जो वाइब्रेशन बहुत सारा होगा ना, तो लूप्स कुछ इस टाइप से बनेगा, ये देखो, ठीक है, यहां पर तो ये आएगी हाइट 4a और यहां पर ये हाइट आएगी 2a, तो ये 2a और ये 4a, तो इस तरीके से वाइब्रेशन अपन को मिलेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हैं इस वाले पार्ट को, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है। अब फर्स्ट कह रहे थे एम्पलीट्यूड द रिजल्टेंट वेव वैरीज विद पोजीशन बिटवीन मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड 4a एंड मिनिमा ऑफ 0 एम्पलीट्यूड, तो ये कह रहा है एम्पलीट्यूड जो है वो द एम्पलीट्यूड द रिजल्टिंग वेव वैरीज विद पोजीशन बिटवीन मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड 4a, the amplitude resulting wave varies with position between maximum of amplitude 4a and minimum of 0 amplitude. देखो, जो मैक्सिमा है वो तो 4a पे आएगा और मिनिमा 0 पे नहीं आएगा, 2a पे आएगा, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन ए मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मिनिमा ऑफ एम्पलीट्यूड इज, देखो मैक्सिमा यहां पर है, मिनिमा यहां पर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहां अगर अपन देखें तो इस वाले पोजिशन पर अगर अपन बात करें तो देखो, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, ये होगा एंटी नोड और ये होगा नोड, एंटी नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एग्जैक्टली लैम्डा बाय 4 के बराबर होती है, ठीक है, लैम्डा बाय 4 के इक्वल, क्योंकि अगर आप दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेते हैं ना तो ये कुछ ऐसा बनता, देखो इस टाइप से लैम्डा बाय 4, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक वेव तो ऐसी है, सपोज अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूँगा, हालांकि ये ऐसा नहीं होगा, देखो जैसे मैं बताऊँ, एक तो वेव जैसे इसका एम्पलीट्यूड जैसे सपोज 3a है, तो 3a के अकॉर्डिंग ये वेव बन गई, ठीक है, और a के अकॉर्डिंग जो वेव है वो कुछ ऐसे बन गई, देखो राइट इस टाइप से, तो a और 3a जो है 4a बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, राइट, लेकिन कुछ देर बाद में देखें तो ये वेव आगे शिफ्ट होगी, ये वाला जो ट्रफ है ना इसका ग्रीन वाले का, ये आगे शिफ्ट होगा, ये वाला इधर जाएगा, और जब ये वाला इधर जाएगा ना तो रेड वाला जो वेव है ना वो, इसको थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं, रेड वाली जो वेव है वो कुछ ऐसे आएगी, देखो ऐसे, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, और ग्रीन वाली जो वेव है ना को, चलो ये मान लेते हैं, ये कुछ ऐसी आएगी, और जब ये आगे शिफ्ट होगी तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए ना तो ये बनेगा, देखो ये 3a और ये a, तो 2a आ जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये एग्जैक्टली लैम्डा बाय 4 के बराबर है, और ये अपन को दे रखा v by 2f तो लैम्डा बाय 2 हो गया ना, बट लैम्डा बाय 4 होना चाहिए था, मतलब v by 4f होना चाहिए था, जो कि ये इनकरेक्ट हो गया। आगे देखिए, एट ए पॉइंट ऑन द पाथ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज जीरो, सही है, क्योंकि पार्टिकल जो भी है वो ओसिलेट होते हैं इसके अंदर, स्टैंडिंग वेव के अंदर, तो पार्टिकल ओसिलेट होगा तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात करें तो वो तो जीरो ही होगा, ओवरऑल जो है पार्टिकल यूं ही ओसिलेट हो रहा है, एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। फोर्थ कह रहा है द पोजिशन ऑफ द मैक्सिमा ऑफ मिनिमा और मिनिमा ऑफ एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ऑब्वियसली जहां पर ये मैक्सिमा बन रहा है और जहां पर मिनिमा बन रहा है वो वहीं बनेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाले, ये भी सही है, तो थर्ड एंड फोर्थ जो है इसके करेक्ट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवंथ, ए वेव डिस्टरबेंस इन ए मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन, इक्वेशन हमें दे रखी है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, देखो
वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड. क्या पूछे देखते हैं. ए नोड अकर्स एट एक्स इक्वल्स टू 0.15 मीटर. एक्स बराबर 0.15 मीटर पर देख सकते हैं पर नोड बन रहा है नहीं बन रहा. देखो ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट ये एम्पलीट्यूड को बताता है. इवन 0.02 भी मल्टीप्लाई में आएगा इसके. ये एम्पलीट्यूड है और नोड में एम्पलीट्यूड जीरो होता है. इस सिंपल इक्वेशन से अगर अपन बात करें तो 10 पाई एक्स है. बस एक्स की वैल्यू रखनी है 0.15. देखो 10 पाई एक्स की वैल्यू 0.15 मतलब 15/100. 0 0 कैंसिल आउट हुआ. ये 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3π/2. और cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही आएगी. तो इसका मतलब 7th का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो परफेक्टली सही है. सेकंड देखो, एन एंटी नोड अकर्स एट एक्स इक्वल्स टू 0.3 रख के देखो. 10 पाई और ये है 0.3 मतलब 3/10. 0 0 कैंसिल आउट, 3 पाई आया. 3 पाई cos 3 पाई की वैल्यू नेगेटिव. खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव सब चलती रहेगी. लेकिन वो तो इस ऑसिलेशन से डिपेंड करेगा ना, टाइम के साथ ये वेरी करेगा. तो इसका मतलब नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है. सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है. थर्ड, द स्पीड ऑफ वेव इज 5 मीटर पर सेकंड. वो कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो ये टी का जो कोफिशियंट है वो ओमेगा होता है. तो ओमेगा इक्वल्स टू 50 पाई. ओमेगा बराबर के वी होता है. तो वी बराबर कितना आया, ओमेगा बाय के. तो ओमेगा तो है बाय के. के क्या होता है, के होता है एक्स का कोफिशियंट विच इज 10 पाई. 10 पाई से डिवाइड कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 0 0 5. तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्पीड भी आ रही है, ये भी सही है. फोर, द वेवलेंथ इज 0.2 मीटर. वेवलेंथ निकालना है. ये देखो के अपने पास है, के कितना 10 पाई. के बराबर कितना होता है 2π/λ. और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/5 बोले तो 0.2 मीटर. मतलब वेवलेंथ भी इसकी 0.2 मीटर, ये भी सही है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे. एट्थ पे आइए. The vibration of string of length 600 cm fixed at both ends are represented by the equation. Again, standing wave का question है ये, ठीक है? और वैसा ही है कुछ, x और y centimeter में, t second में है, ठीक है जी? Length अपन को दे रखी है यहाँ पर. चलिए पढ़ते हैं. First option का maximum displacement point x equals to 5 cm to root 3. Maximum displacement मतलब बोले तो amplitude. कितने पर, x बराबर 5 cm पर. 2√3 है, चेक कर लो. x की वैल्यू 5 रखो यहाँ पर, यही तो है amplitude. जिसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं अपन. x की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो 5/50 मतलब 1/3 आ जाएगा. पाई बाय 3 कितना होता है 60, मतलब sin 60 √3/2. तो 4√3/2 मतलब 2√3. इसका मतलब ये सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो गया. सेकंड देखो, नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 n, वेयर इंटीजर n वेरीज फ्रॉम 0 टू 40. चलो देखते हैं नोड्स. नोड्स पे बात करें अपन तो जो एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए. तो sin पाई x बाई 15 है. पाई x बाई 15 जो है ना वो सीधी सी बात है n पाई के बराबर होना चाहिए. n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं अपन. तो उसके इसमें नोड ही बनेगा. साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी. x पाई से पाई कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 n. n की वैल्यू 0 रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 रखते जाओ. इस तरीके से अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं. 15 n पर सही है. और 0 से 40, ये कह रहा है 40 तक जाना है. तो 40 रख के देख लेते हैं अपन. 40 अगर रख के देखें अपन यहाँ पर n की वैल्यू, n की वैल्यू 14 रख के देखें तो 15 × 40, 600 पे आ रहा है. क्योंकि 600 पे दूसरा एंड है उसका, वहां पर भी नोड बनना चाहिए. इसका मतलब ये सही है. सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया जी. थर्ड देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकंड इज 0. कह रहा है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर और इस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी. भैया पार्टिकल जो है वो जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y, वेलोसिटी के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डेल वाई बाय डेल टी करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा. इसका डिफरेंशिएशन आएगा, कोस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा साइन. तो रफली रख के देख लेते हैं, ये कह रहा है 0 है, 0 चेक करके देख लेते हैं. कोस का डिफरेंशिएशन आगे मल्टीप्लाई में भी आएगा वो क्वांटिटी, उसको एज इट इज रहने देता हूं मैं. और इनटू में कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा. और 96 पाई भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये साइन 96 पाई टी आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर. ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने डायरेक्ट y का वेलोसिटी निकालने के लिए पार्टिकल की. अब ये वैल्यू रख के देख लेते हैं. पर t बराबर 0.25 है तो t की वैल्यू मतलब 1/4 सेकंड हो गया. 4 से अगर कट करें इसको तो ये आ गया 4 × 2 = 8, 1 × 4 = 16, 24 पाई. 24 साइन 24 पाई की वैल्यू 0 ही आनी है. तो आगे सोचना ही नहीं है, इस वाले पार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया. द इक्वेशंस ऑफ द कंपोनेंट वेव्स हुज सुपरपोजिशन गिव्स द अबव वेव्स आर. मतलब ये कह रहा है कि जो इक्वेशन बनी है ये किन दो वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी है, उनके लिए इक्वेशंस आपको दे रखी है. तो सुपरपोज करवाना मतलब सिंपली ऐड करना है इन दोनों को. ऐड कर दो ये और इधर वाला फंक्शन. तो साइन ए या साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर.
तो 2 तो वैसे भी कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी करेंगे तो 48 48 कट जाएगा, और सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स बाई 30 प्लस एक्स बाई 30, एक्स बाई 15 हो गया बाई हाँ सी प्लस डी बाई 2। ओके तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स बाय 15/2, राइट 30 आ गया। लेकिन साथ ही साथ 2 पाई भी है, इसको भी ध्यान रखो, इनटू में 2 पाई भी है, 2 से 2 कट गया 15, तो पाई एक्स बाई 15 आ रहा है ये, देखो है ना। और बाकी अगर आप आगे मल्टीप्लाई में लिखोगे कोस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 करके देखो तो एक्स बाई 30 वाला कट जाएगा, 48 एंड 48 की बात करें तो ये आ जाएगा अपने पास 96, 96 बाई 2, राइट। और साथ ही साथ पाई भी है, ये भी ध्यान रखना, 2 पाई भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 96 पाई आएगा, कंफर्म है, तो 96 पाई टी ये भी आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ पे जाइए, वन एंड ऑफ ए टॉट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस फिक्स्ड एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स बराबर 0 पे फिक्स्ड है, द स्पीड ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग इज 100 मीटर पर सेकंड, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग द वाई डायरेक्शन, सो द स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप इन द स्ट्रिंग। दूसरा एंड जो है वो वाइब्रेट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब वहां पर नोड नहीं है, ये ध्यान रखना। और जो पहला एंड है ना एक्स बराबर 0, वहां पे नोड है, ये कंफर्म है, और स्पीड 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। चार इक्वेशंस है, पूछा है कौन सी सही है, पॉसिबल वेव्स कौन सी है इसमें से। पहले तो एक्स बराबर 0 रख के देख लो सब में, एक्स 0 इसमें, 0 इसमें रखें, 0 इसमें रखें, 0 इसमें, सबके सब साइन है, इसका मतलब सब में ही नोड आ रहा है, तो मतलब ठीक है। फिर x बराबर 3 मीटर रख के देखें अपन, x 3 अगर रख के देखें तो नोड तो नहीं आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। फिर रख के देखें तो 3 बाई 6, तो ये पाई बाई 2 आ गया, वैसे एंटीनोड ही बनेगा पाई बाई 2, ये ठीक है। ये 3 बाई 6, ये भी 5 पाई बाई 2 है एंटीनोड, 3 बाई 3 पाई, साइन पाई 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो हट ही गया इसमें से, पूरा पूरा हट गया। और इसमें भी 3 ये भी सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 15/2 तो ये भी सही है, तो इसका मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये सही हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि स्पीड जो है 100 मीटर पर सेकंड है। तो देखो ओमेगा बराबर के वी होता है, तो वी बराबर ओमेगा बाय के होता है, ओमेगा टी का कोफिशियंट होता है और के एक्स का कोफिशियंट होता है, तो 50 पाई बाय 3 में पाई बाय 6 को डिवाइड कर दें, पाई से पाई, 3 2 से कट गया, 50 दूनी 100, इसका मतलब इसमें आ रही है जी 100 मीटर पर सेकंड, ये मतलब ये सही है। दूसरा देखो इसमें इसको डिवाइड कर दो, 250 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, ये 3 2 कट गया, पाई से पाई, 25 50 50 दुनी 100, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये तो कंसिडर ही नहीं करना। इसमें देख लो लास्ट 250 पाई अपॉन 5 पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया, ये 50 दुनी 100, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये तीन ऑप्शन सही हैं, सेकेंड इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। दसवें पे आ जाइए, ए सोनोमीटर स्ट्रिंग ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेस्ड बाय अ लोड एंड द टेंशन टी इज एडजस्टेड सो दैट द स्ट्रिंग रेजोनेट्स टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज़। 1 मीटर लेंथ है और सिंपली अपन को ये दे रखा है कि स्ट्रिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, ठीक है, कितने सेकंड पर, सॉरी कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये फंडामेंटल मोड पे ये वाइब्रेट होगा, अगर कुछ ना दे रखा तो फंडामेंटल मोड ही मानेंगे अपन, ठीक है। लेंथ 1 मीटर है यहां पर, तो फंडामेंटल मोड के लिए फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है, तो 1000 हो गया बराबर v अपॉन में 2l, l की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा 1 मीटर, तो v आ जाएगा अपने पास 2000 मीटर पर सेकंड, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है इसके अंदर वो 2000 मीटर पर सेकंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड कह सकते हो स्ट्रिंग के अंदर या ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो है ये 2000 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं, चलो क्या कह रहा है, एनी पॉइंट पी ऑफ द वायर मे बी हेल्ड फिक्स बाई यूज ऑफ ए मूवेबल ब्रिज दैट कैन स्लाइड अलोंग द बेस ऑफ द सोनोमीटर। इस पे एक पी पॉइंट है जिसको अपन फिक्स कर सकते हैं, जिसको मूव भी किया जा सकता है, लेकिन वो फिक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो जी, फिक्स होने का मतलब नोड बन सकता है वहां पर। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ पॉइंट पी इज फिक्स्ड सो दैट ए पी अपॉन पी बी 1:4, देन द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स इज 5 किलोहर्ट्ज़। तो भैया AP और PB 1:4 में है, तो ये कह रहा है स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके कारण पूरा जो तार वाइब्रेट हो सकता है वो 5 किलोहर्ट्ज़ के बराबर है, ये चेक करना पड़ेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जब ये फिक्स्ड है तो उस केस में ये भी फंडामेंटल मोड में हो और उस केस में ये भी फंडामेंटल मोड में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी पूरे में सेम होगी, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये नोड है, ये भी नोड होगा और ये भी नोड होगा, तो इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं, लेट से इसमें एन लूप्स बन रहे हैं, ठीक है, जैसे ये इस टाइप से लूप्स बन रहे हैं, ये स्टैंडिंग वेव के लिए इसमें एन लूप्स बन रहे हैं, करेक्ट, इसमें एन लूप्स बन रहे हैं, तो इसमें एन लूप्स हैं और ये वाला लेंथ जो है इतनी किसके बराबर होगी, अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी पूरी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो भी वाइब्रेशन होगा वाइब्रेशन इन धागों के अंदर से या स्ट्रिंग के अंदर से ही पास होगा, तो रेजोनेट होने की बात कर रहा है पूरा, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी यहाँ पर, और वी ऑब्वियसली टेंशन सेम है तो वी भी सेम होगा, तो इसका मतलब लैम्डा डेफिनेटली दोनों का सेम होना चाहिए फिर, क्योंकि वी और एफ दोनों ही जब चेंज नहीं हुए हैं इसका मतलब लैम्डा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे लैम्डा है तो ये जो एक लूप है उसकी लेंथ जो हो जाएगी लैम्डा बाई टू हो जाएगी, और ये एन है तो इसका मतलब टोटल लेंथ ए से पी की कितनी हो जाएगी एन लैम्डा बाई टू, और पी से बी की लेंथ कितनी हो जाएगी एम लैम्डा बाई टू, इन दोनों का रेशियो कितना है 1:4, तो ये लैम्डा बाई टू तो कट गया, इसका मतलब एन बाय एम की जो वैल्यू है वो 1/4 के बराबर आ गई, मतलब इसमें अगर ये एक लूप बन रहा है ना तो इसमें चार लूप बनेंगे, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है 1/4। अब आगे देखते हैं अपन, ये बताइए कि अगर इसको वाइब्रेट करें पूरे को, तो उसमें कह सकता हूं ना मैं कि एन लैम्डा बाई टू जो है वो जो लेंथ ये वाली है और एम लैम्डा बाई टू लेंथ ये वाली है, दोनों का सम कर दें तो वो 1 मीटर के बराबर होना चाहिए, मतलब एन प्लस एम लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 1 मीटर, सो वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू 2/में एन प्लस एम, है ना, ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, एफ इक्वल्स टू या एफ डैश मान लो, वी वी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 2000 और अपन में लैम्डा, मतलब 2 और ऊपर आ जाएगा एन प्लस एम, तो 2 से कट गया, काट दो इसको 2 से, तो ये 1000 × एन प्लस एम आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब बात आती है फंडामेंटल की, तो एन की वैल्यू तो कम है, कन्फर्म है, तो एन की मिनिमम वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं 1, तो उसके इसमें एम की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो एन की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 4, तो 4+1 5000 जो हर्ज है वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे अपन, तो 5 kHz बोल रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ये सही है। सेकंड देखिए, इफ पी बी टेकन एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड फिक्स्ड, ठीक है, एंड देन व्हेन द वायर वाइब्रेट्स इन द थर्ड हार्मोनिक ऑफ इट्स फंडामेंटल द नंबर ऑफ नोड्स इन द वायर इंक्लूडिंग ए एंड बी विल बी टोटली 7। इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को ढंग से पढ़िए, देखो पी पॉइंट को मिड पॉइंट पे लेके आ गए, मिड पॉइंट पे लाने का मतलब ये दोनों बराबर बराबर हो गए, तो एन लैम्डा बाई टू और एम लैम्डा बाई टू का रेशियो जो है 1:1 हो जाएगा, इसका मतलब एन और एम की जो वैल्यू बराबर होनी चाहिए उस केस में, एन बराबर एम, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब ये कह रहा है कि जब ये वाइब्रेट होगा थर्ड हार्मोनिक में, देखो अगर पी पॉइंट मिड में है तो फर्स्ट हार्मोनिक पी तो रहेगा ही नोड, ए भी नोड है और बी भी नोड है, पी भी नोड पे रहेगा और मिड में लिया है मैंने एकदम, फंडामेंटल वाइब्रेशन ऐसा होगा कुछ, इसमें कोई दोराई नहीं है ना, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन, क्योंकि पी को फिक्स रखना है अपन को, और इसने कहा है हमें थर्ड हार्मोनिक का, तो थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, सेकंड में ऐसा बनेगा, थर्ड हार्मोनिक में कुछ ऐसा बनेगा, देखो इधर भी ऐसा ही बनेगा सेम, है ना, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो मतलब ये पूरे के लिए थर्ड हार्मोनिक है, तो यहां पर नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे इंक्लूडिंग ए एंड बी भी पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए यहां पर 7, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, इफ द फिक्स्ड पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2 देन द टेंशन नीड टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट एट 1 kHz विल बी 3t। देखिए पहले टेंशन कितना है, टी है, और सेम फ्रीक्वेंसी से अगर आपको वाइब्रेट करना है ना, सेम फ्रीक्वेंसीज, अच्छा ये ए और ये ए बी और पी बी का जो रेशियो 1:2 है, तो यहाँ पर 1:2 लिखेंगे अपन यहाँ, ठीक है 1:2 आ जाएगा, और उसके अलावा एन प्लस लैम्डा बाई टू दिए तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई दोराय नहीं है, लैम्डा बाई टू भी सही लिखा मैंने, और स्पीड जो है, अब ध्यान देना यहाँ स्पीड मैंने 2000 लिया ना, अब स्पीड यहाँ पर वी कंसिडर कर लेते हैं अपन, हालांकि वी जो है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो वी अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, और जो कि 2000 प्रोपोर्शनलिटी में लिखा है मैंने इसको, ठीक है, और अब जो स्पीड है वो जो अंडर रूट या वी मान लेता हूँ यहाँ पर स्पीड, अब स्पीड वी है तो 2000 नहीं रख रहे अपन, ठीक है, और एफ डैश जो है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर है, ये 1000 या 1 के बराबर कैसे, 1000 लिख देते हैं चलो, ठीक है, तो यहाँ से वी जो है अपने पास कितना है, ये एफ डैश 1000 है, ये 2000 इधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, स्पीड जो नई स्पीड जो है वो आ जाएगी 2000 / में n + m,
करेक्ट। अब एन और एम का रेशियो ध्यान रखना 1:2 है, तो अगर फंडामेंटल मोड लूँ तो ये 1 और ये 2, तो 2 × 1 = 3 आ जाएगा। 2000 में 3 को डिवाइड करूँ तो टेंशन क्या 3t होगा। अगर 3t अगर अपन लें, ठीक है, पहले टेंशन t था, t के क्रॉस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो 2000 है, तो t प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ देखा जाए तो ये आ जाएगा 4 × 10⁶ के। फिर 3t कर दिया तो 3t की बात करें तो सीधी सी बात, 3t प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, 12 × 10⁻⁶, सही है। 3t प्रोपोर्शनल टू 12 × 10⁻⁶, तो यहाँ पर जो स्पीड आई अपने पास, ये स्पीड 2000 अपॉन में n प्लस m है, और n और m की वैल्यू 1 और 2 रखूँ मैं, तो यहाँ पर 2000 बटा में 3 आया। तो 2000/3 जो है वो t के प्रोपोर्शनलिटी में अगर अपन देखें तो ये कितना आएगा यहाँ पर, इसको एक बार तो v कितना आया था, अंडर रूट टी बाई म्यू, चलो म्यू रख देते हैं, बराबर कितना था 2000। और अब जो स्पीड आई है ना, ये पहले वाली स्पीड थी, अब वाली स्पीड v डैश मान लेता हूँ, ये कितनी है अपने पास, ये टेंशन आ गया टी डैश अपॉन में म्यू इज इक्वल टू 2000 अपॉन में n प्लस m, यही तो है और क्या है यहाँ पर। इन दोनों को डिवाइड कर दो चाहो तो, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट टी अपॉन में अंडर रूट टी डैश बराबर, ये इससे कट गया और n प्लस m ऊपर चला जाएगा, सही है। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग कर दो आप चाहो तो, t डैश की वैल्यू कितनी आ गई, t अपॉन में n प्लस m का होल स्क्वायर। अब n की वैल्यू वही सेम, 1, 2 रखा, 3, 3 का स्क्वायर 9, तो t बाय 9 हो तो बात जमती है, या उसका उससे भी कम हो तो जमती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। फोर्थ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर व्हेन p डिवाइड्स ab इन द रेशियो a रेशियो b विल बी द सेम एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन p डिवाइड्स ab इन द रेशियो b रेशियो a। ये कह रहा है p अगर यहाँ पर है एक, तो a रेशियो b में बांट रहा है, या p को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये p अगर यहाँ पे है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर p है, ठीक है, ये रेशियो आ गया, और p को अगर यहाँ रख दूँ तो भी तो दिस बाय दिस जो है रेशियो पलट जाएगा ना वो, अगर a रेशियो b है या b रेशियो a लें अपन, ये b रेशियो a लें तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट है, वेवलेंथ चेंज नहीं हुई ना उस केस में, तो वो सेम ही रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, सेक्शन सी पे आ चुके हैं अपन, इंटीजर वाले पे। देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड फ्रॉम एन आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज 20 डेसिबल इफ द डिस्टेंस एट विच इट इज नॉट हर्ड इज 10⁻⁴ इन मीटर्स, फाइंड के। देखिए, पॉइंट सोर्स से जो इंटेंसिटी मिलती है अपन को, वो इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और डेसिबल के अंदर जो इंटेंसिटी है वो 20 डेसिबल दे रखी है 10 मीटर डिस्टेंस पर। इसका मतलब 20 डेसिबल इज इक्वल टू 10, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए आपको, लॉग बेस 10 आई बाय आई नॉट, ठीक है, आई बाय आई नॉट। आई नॉट होती है रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जिस पे साउंड सुनाई देना स्टार्ट होता है एक तरीके से, उसको आप कह सकते हो आई नॉट, एक तरीके से 0 डेसिबल का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो तो ये जो आई है, जो इंटेंसिटी है, वो 10 मीटर डिस्टेंस पर 20 डेसिबल है, तो आई प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1/r², और r कितना 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो i को तो लिख दो 1/100, सीधा सीधा लिख दो 1/100, ठीक है। और i नॉट की वैल्यू भी अपन देखते हैं, चलो i की वैल्यू देखते हैं 1/100, डायरेक्ट रेशियो में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब i नॉट की बात करें, i नॉट जहां पर इंटेंसिटी नहीं सुनाई दे रही अपन को, तो मान लीजिए r डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं अपन, तो i नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो i नॉट की वैल्यू लिख दो 1/r², r² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू है, अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो हमसे r की वैल्यू पूछिए, तो ये इससे कट गया 0 0, ये 2 है ना, 2 है, और ये लॉग बेस 10 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 100 के बराबर आनी चाहिए, तभी 2 आएगा। तो r² / 100 = 100, सो r² = 10⁴, देन r = आ जाएगा 100 ओनली, मतलब 10⁻², तो 10^2 मीटर, 10⁻² मीटर डिस्टेंस पर अपन को साउंड सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए
The two pipes are submerged in a sea water, arranged as shown in the figure. Pipe A with length LA 1.5 meter and one open end contains a small sound source that set up the standing wave with the second lowest resonant frequency of that pipe. Okay. Sound from pipe A sets up resonance in pipe B, which has both ends open. The resonance is at the second lowest resonant frequency of pipe B. ठीक है जी, second lowest. The length of pipe B in the meter is. आइए देखिए, ये तो अपने lowest resonant frequency पे sound कर रहा है. कौन सा? Small sound source that set up the standing wave with the second lowest resonant frequency पर ये sound कर रहा है ना? सेकेंड लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कितनी होगी? V अपॉन में 4 LA बाय 3. फर्स्ट वाली तो होती V बाय 4 LA और ये होती 3V बाय 4 LA. ओड हार्मोनिक्स होते हैं ना इसमें, और ये रेजोनेट कर रहा है इसके साथ, और इसमें भी कौन सी है? सेकेंड लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसके लिए कितनी होगी? V अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड तो सेम ही रहेगा, V अपॉन में 2 LB, और ये सेकेंड पे है तो ये सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, इसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं. अब आई थिंक ये क्वेश्चन काफी आसान है. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया, हमसे LB की वैल्यू पूछी यहां पर, तो LB बराबर कितना आ जाएगा यहां पर? हमसे वैल्यू कितनी आएगी? 4 LA बाय 3. LA की वैल्यू कितनी है? 1.5. 4 बाय 3 इंटू 1.5, 3 से कट कर दो, 0.5 और 0.5 इंटू 4 मतलब 2 आ जाएगा. ठीक है, तो 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. थर्ड पे आइए. ए स्ट्रिंग ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड. द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ए एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी. इफ द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज पाई स्क्वायर ए स्क्वायर टी बाय ईटा एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटा. ठीक है, ईटा की वैल्यू हमसे पूछी है. ये एनर्जी है, वाइब्रेशन जो होता है कुछ ऐसा होता है स्टैंडिंग वेव के अंदर. ठीक है, इस तरीके से लूप बनता है और वाइब्रेट होता है, ऐसे से मोरा होता है. और जो स्ट्रिंग है, इक्वेशन की बात करें अगर अपन सिंपली इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं a, जैसे एम्पलीट्यूड है a साइन के एक्स साइन ओमेगा t, इस वे से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, स्टैंडिंग वेव के लिए a इज द एम्पलीट्यूड. और जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसका क्या फॉर्मेट होता है उसको भी देखते हैं. चलो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है वाइब्रेशन के अंदर, इस वेव इसके अंदर जो वेव प्रोपागेट करती है. और काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें तो 1/2 dm इस स्ट्रिंग का स्मॉल एलिमेंट अगर मैं लूँ और मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं म्यू कंसीडर कर लूँ, म्यू, तो म्यू इंटू डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस होगी ये वाली, तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो धागा है, जो रस्सी, उसका जो मास है वो म्यू इंटू डी एक्स आ जाएगा. ठीक है, और इंटू में वी स्क्वेयर. वी किसका? पार्टिकल जो ऑसिलेट होगा उसकी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं ना, हाफ एम वी स्क्वेयर, तो वी पी स्क्वेयर आएगा. और वी पी मतलब डी वाई बाई डी टी, डेल वाई बाई डेल टी लिख सकते हो आप, इसका होल स्क्वेयर आ जाएगा. ये काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन ऐसे ही आता सेम. तो टोटल एनर्जी जो है डी ई लिख देता हूँ मैं, यहाँ से 1/2 हट जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसा कुछ रिलेशन अपन यहाँ फाइंड कर सकते हैं. और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, साइन के एक्स है, साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू देखो कितनी आई, म्यू इंटू डी एक्स. डेल बाई डेल टी करें अगर अपन यहाँ, तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर भी हो रहा साथ ही साथ, ए स्क्वायर, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स, और यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी. साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा भी बाहर आएगा ऑब्वियसली, सॉरी साइन स्क्वायर क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा साइन का, तो कोस और ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, तो साइन का कोस हो गया और ओमेगा बाहर आ गया, कोस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया. ये डी की वैल्यू आई. अब मैं अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, तो हम एनर्जी एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट हो रही है ऑल टाइम. ठीक है, तो एक साइकिल के लिए अगर अपन एनर्जी कैलकुलेट, कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1/2. तो 1/2 से मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो डी की वैल्यू अपने पास आ गई, म्यू डी एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स, और यहाँ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और 1/2 यहाँ आ गया डिवाइड में.
ये एनर्जी आ चुकी है अपने पास, ठीक है, लेकिन मुझे एक लूप के लिए या इस रस्सी के लिए, पूरे के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। अब देखिए, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर, तो एनर्जी E इज इक्वल टू, देखो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू, और साइन स्क्वायर के एक्स है डी एक्स के साथ इसको इंटीग्रेट करो, और ये इंटीग्रेशन आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो से एल तक ये चलेगा, ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो यूँ वाइब्रेट हो रहा है, ये पूरी फंडामेंटल मोड में है, तो ये जीरो है, ये पूरी लेंथ एल है, तो ये लैम्डा बाई टू ही तो है एल के बराबर, तो लैम्डा बराबर टू एल आ गया यहाँ से, जरूरत पड़ेगी वहाँ रख सकते हैं। तो साइंस स्क्वेयर वाले की टर्म को इंटीग्रेट करना है तो वन माइनस कोस टू के एक्स बाई टू से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आप करके देख सकते हो, और कोस टू के एक्स की जो इंटीग्रेशन करोगे साइन टू के एक्स आएगा, और वहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे अपन तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और बाकी जो वन बाई टू बचेगा, वन बाई टू को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा वन बाई टू इंटू डी एक्स का एक्स हो गया, और अपर लिमिट एल है तो एल बाई टू आ जाएगा, तो इस वाले पूरे पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो एल बाई टू आएगा, तो वो एल बाई टू यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अपने पास एनर्जी जो है वो आ जाएगी फोर, तो वन बाय फोर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। अब इसमें वैल्यू चेक करनी है अपन को, देखो म्यू हमें नहीं दे रखा है, एल लेंथ दे रखी है, यहाँ एल ये स्मॉल एल है, ठीक है, और बाकी एम्पलीट्यूड गिवन है, ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन टेंशन आ रहा है, ओमेगा नहीं आ रहा, ओमेगा को लिख सकता हूँ ओमेगा बराबर के वी, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर रख देते हैं, के स्क्वायर भी आएगा, और के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा का स्क्वायर, 2 पाई बाय लैम्डा जो है उसको इसको काट देता हूँ, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2L है, तो 4L स्क्वायर आ जाएगा नीचे, सही है, और साथ में वी स्क्वायर आई गया यहाँ पर, तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, और एक एल से एक एल भी गया, बाकी वी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, ठीक है, टी बाई म्यू, तो v स्क्वायर रखेंगे तो t बाय म्यू आ जाएगा यहाँ पर, v स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ t बाय म्यू, म्यू से म्यू कट गया जी। अब देखिए वैल्यू क्या बची, देखो a स्क्वायर आ रहा है ऑप्शन में, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, पाई स्क्वायर भी आ रहा है जी, पाई स्क्वायर भी आ रहा है, कैपिटल T भी आया, और डिवाइड में बात करें तो L भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो ईटा जो यहाँ पर दे रखा है उसकी वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आइए, ए ट्रैवलिंग वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 5 इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए बाउंड्री विद द एम्पलीट्यूड 3a ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स इन अपोजिट डायरेक्शन ए वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड एंटी नोड टू द नोड। देखो 5a से आया 3a से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, तो इंसिडेंट वेव 5a रिफ्लेक्टेड वेव 3a, तो सीधी सी बात है स्टैंडिंग वेव बनेगी, लेकिन नोड का जो एम्पलीट्यूड है उसके इसमें जीरो नहीं आएगा, तो 5a और जब 3a सेम फेज में मिलेंगे तो 5 और 3a का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 8a ऐड हो जाएगा, अपोजिट फेज में मिलेंगे तो 5a माइनस 3a मतलब 2a, तो ये नोड का एंटी नोड का और ये नोड का कट करो तो 4 आ जाएगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, इक्वेशन आपको दे ही रखी है, वेर एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकेंड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड पूछा है भाई, बस वैल्यू तो रखनी है, ये तो सेम क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं, तो एक्स की वैल्यू 5 रखें तो 5 3 तो पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2, 4 इंटू रूट 3 बाई 2 रूट 3, तो आंसर क्या आना चाहिए 2 रूट 3 आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल इंटेंसिटीज आई नोट हैव फेज एंगल्स 0 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 एंड पाई, ओके, देन व्हेन दे आर सुपरपोज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज एन आई नोट देन वैल्यू ऑफ एन इज, लेट्स से कि एक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है और इंटेंसिटी आई नोट है, सो आई नोट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब जो चारों जो वेव्स है ना वो किस किस एंगल पे आपने अटैच करनी है, वेक्टर मेथड से इसको अपन डील करेंगे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, तो पहली वेव जो है उसके लिए एम्पलीट्यूड मैंने या वेक्टर में मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जीरो एंगल पे, दूसरा जो है पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री एंगल पे आ जाएगा ये भी ए, तीसरा इस वाले के साथ पाई बाय 3 मतलब इससे 60 डिग्री एंगल पे इधर आ जाएगा, ठीक है, और जो फोर्थ नंबर पे है वो पाई एंगल पे मतलब इस स्टार्टिंग वाले से पाई एंगल पर है, तो मतलब इधर की तरफ रोटेट हो जाएगा, और सबका एम्पलीट्यूड ए है, तो
तो ये एक रेगुलर हेक्सागन का पार्ट बना, अगर आगे भी कंटिन्यू होता तो ऐसा बनता, सही है। तो रिजल्टिंग जो वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड डेफिनेटली यही आना चाहिए, और अगर आपको ध्यान हो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी को तो आप आसानी से बता सकते हो ये ए है और ये 2a होता है और ये एंगल 90 होता है, तो ये लेंथ चाहिए अपन को, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर मतलब रूट 3 आ जाएगा। तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड रूट 3 के बराबर और इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 3a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होगी, और a स्क्वायर i नॉट, इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 3i नॉट, n i नॉट बोले तो n की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन, चलिए जी। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ऐसे ही बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए।